आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। बच्चे असार बड़ी सुस्त में पुण्य देखो अपना गोत्र बोलिए दोनों अपना अपना नाम बोलिए द्वादिस्तानी नामानी या भेदुन याद भी विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्न तथा न जायते गुलाम वरम दुर्व्यामी नमः फल तांबूल दक्षिणां तुम सुमर पे आमी नमः सुंदर से नील कमल के समान एक बालक को जन्म दिया है। नंद बाबा अपने आप को भूलिए। जब परमात्मा व्यक्ति के जीवन में आता है तो व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है। खुद को जो भूल जाए उसको खुदा मिला है। जब तक अपने आप को नहीं भूलोगे तब तक परमात्मा मिलता नहीं है। तो जब परमात्मा का प्रवेश होता है परमात्मा का प्राकट्य होता है तो व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है। बाबा भूल गए अपने आप। गले में जो मालाएं थी वो सब उतार करके सुनंदा को दे दी। तिजोरी की चाबियां दे दी। जाकर के खजाने लुटा दो। जब ठाकुर की कृपा होती है तो लुटाने की इच्छा होती है और जब तक ठाकुर की कृपा नहीं तब तक लूटने की इच्छा होती है। बोल दो जय जय श्री। सब कुछ लुटा दो। हीरे जौरा सोने शादी याचक हैं आकर के सुनंदा ने सब कुछ लुटाना प्रारंभ किया है। ब्रज की गोपियां गोकुल की गोपियां ठाकुर का दर्शन के लिए सिंगार करके तैयार होकर के चली है और साथ में क्या लेकर के आई है। न्योछावर राई नमक लयो लाल को झुंझुना। छोटे से बालक को क्या चाहिए खिलौना चाहिए। खिलौना तो लाई है और साथ में राई और नमक। किसी की नजर न लग जाए इसलिए बालक के ऊपर माताएं राई और नमक निछावर करती हैं। तो इतने दिन के बाद नंद बाबा के घर लल्ला हुआ है। इतनी गोपियां दर्शन करने जा रही हैं किसी की नजर न लग जाए इसलिए सब खिलौने के साथ राई और नमक भी लेकर के आई है। निछावर लाके राई और नमक का लाला के ऊपर निछावर करती हैं। घुमाती हैं फिर लाला के पास खिलौना रखती हैं और दर्शन करती हैं। आनंद के साथ चली जाती हैं। सब अल्लाह का दर्शन करें। और इधर वसुदेव जी छोटी सी कन्या को लेकर के जैसे कंस के कारागार में प्रवेश की। जब भगवान आए तो बंधन कट गया और जब माया आई तो वसुदेव जी पुनः बंधन से युक्त हो गए। हथकड़ी बेड़ियाँ अपने आप लग गई और माया ने जैसे रोना प्रारंभ किया परेदार उठे भागे जाके कंस को सूचना दी। बेतहाशा भागता हुआ कारागार में आया लेकिन द्वैती के गोद में बालक को न देखा एक बालिका है। आश्चर्य हुआ क्या देवताओं की आकाशवाणी व्यर्थ। देवताओं ने कहा था लाल होगा लेकिन यहाँ तो लाली है। हो सकता है देवताओं की आकाशवाणी में कोई रहस्य छिपा हो कोई मेरे साथ छल करना हो
तो लाला हो या लाली हो, इसको मारूंगा जरूर। और जाकर के देवकी के गोद से उस बालिका को छीनने का प्रयास करता है। देवकी पैरों में पड़ गई, रो पड़ी, अंतिम मेरी दी है जी अनर्थ का करेगी। अरे भैया, अंतिम मेरी ही, ये अंतिम मेरी संतान है और लाला नहीं लाली है, ये लड़की क्या अनर्थ करेगी, ये किसको मारेगी? तो भैया कम से कम मेरी इस कन्या के ऊपर तो दया करो। लेकिन एक नखल ने सुनी सुता पत्थर पे पटकी, एक नखल ने सुनी सुता पत्थर पे पटकी, एक नखल ने सुनी सुता पत्थर पे पटकी, एक नखल ने सुनी सुता पत्थर पे पटकी। अनुनय विनय का कोई प्रभाव नहीं हुआ और उस कन्या को लेकर के जैसे ही पत्थर पे पटका, हाथ से चुकी, आकाश पे पहुंच करके अष्टरूपी अष्टभुजी का रूप धारण किया और कंस को संबोधित करते हुए बोल पड़ी, अरे मूर्ख, तू मुझे मार के पछताएगा। तुझे मारने वाला आज के दिन ब्रज 84 कोस में जन्म ले चुका है। कंस बोला, देवी जी जान इतनी भविष्यवाणी कर दी कि मुझे मारने वाला ब्रज 84 कोस में जन्म ले चुका है, देवी बता दो कहाँ, किसके घर, किस जगह उसका जन्म हुआ है। अष्टभुजी मुनि बनी कन्या ने कहा, मैं पूरी जन्म पत्री नहीं बताऊंगी, बस केवल इतना ही संकेत है कि तुझे मारने वाला ब्रज 84 कोस में जन्म ले चुका है। कहाँ आया, किसके घर आया, पूरा पत्रा नहीं खोलोगी। वहां से अंतर ध्यान हुई और विंध्याचल में जाई बसी पूजित जगमा, विंध्याचल में जाई बसी पूजित जगमा, विंध्याचल में जाई बसी पूजित जगमा, विंध्याचल में जाई बसी पूजित जगमा। यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है मिर्जापुर, वहाँ एक बहुत सुंदर स्थान है विंध्याचल, वही अष्टभुजी अष्टभुजी जा करके विंध्याचल में स्थापित हुई। जगह जगह पूरे विश्व से लोग वहाँ अष्टभुजी का दर्शन करने आते हैं और जो अष्टभुजी का दर्शन कर लेता है उसकी समस्त कामनाएं अष्टभुजी पूरी करती हैं, क्योंकि भगवान ने योग माया को वरदान दिया था। बड़ा ही दिव्य, बड़ा दिव्य दर्शन था, सुंदर मंदिर बना हुआ है। लता जी हमारे साथ देव के दर्शन किया था वहाँ अष्टभुजी का। और इधर गोकुल में उत्सव, नंद उत्सव, ग्वाल बाल आ रहे हैं, गोपियाँ आ रही हैं, नंद बाबा को सजाया गया है, ग्वालों ने सजाया है, सुंदर सी पगड़ी बांधनी है, आंखों में काजल लगाया, सुरमा लगाया और बाबा को कहते, बाबा यदि छोरा का दर्शन करना तो ऐसे नहीं करना है। बाबा ने कहा, भैया कैसे करना है? बोले, बाबा कुछ ठुमका लगा, कुछ नाच, कुछ गा, नाचते और गाते हुए लल्ला का दर्शन करना है। तो ग्वाल बाल बाबा को भी नचाते हैं थोड़ा, आप भी। कान्हा को जन्म भयो जा दिन ते तो इसलिए कान्हा के बर्थडे पे तो कहना नहीं चाहिए, हम कहेंगे कभी आप ना दोगे तो इसका मतलब ये है कि तुम तो टाइम पास करना है, कोई मतलब नहीं कथा में क्या हो रहा है। अरे ध्यान से सुनो, जाके सभी लोग मस्ती करिए और ठाकुर जी का बर्थडे सभी लोग खड़े होकर आनंद लेंगे दो मिनट के लिए, तो क्या कहेंगे, हो तेरी हो तेरी हो तेरी मैया।
कहते पर लाला को जन्म भरो माखन मिश्री मिला हुआ सब गोपी खड़ी है जाओ और माखन मिश्री खाओगी तो आनंद ही आनंद होंगे तो क्या कहेंगे ओ तेरी आगे वाली गोपी कल मत बैठ जाना आगे जो नहीं नाचेगी कल विवाह भगवान का सुन लो पहले ही अगर एक भी मैया आगे बैठ गई कल भगवान का विवाह है तो लड़ाई हो जाएगी बहुत करी ऐसी करी लड़ाई होगी कल ही बताएंगे आज रहने दो तो क्या कहेंगे भैया।
Oh!
बहुत धन्यवाद थक गए होंगे, कितनी देर ताली बजाई, कितनी देर नृत्य किया, इतनी अवसर आठ घंटे दो घंटे पर शाम को देखेंगे क्योंकि आज छप्पन भोग भी है। बोलो कन्हैया लाल की जय। जय। कई महीने उत्सव चला, पूरा ब्रज आनंद उत्सव में डूब गया। लाला के आने की खुशी, नंद बाबा ये भी भूल गए कि मेरा लाला 6 दिन का हो गया और लाला की छठी मनाई गई। उपनंद ने नंद बाबा को बुलाया, लल्ला के खुशी में सब कुछ भूल गए, कंस का कर देना है और कंस इतना आतताई है, एक दिन भी देर हो गई तो पता नहीं क्या कर देगा। तो अतिशीघ्र छकड़ों में सामान भरो और जाकर के कंस का कर दे के आओ। भई लाल की छठी कंस कर चिंता व्यापी, भई लाल की छठी कंस कर चिंता व्यापी, भई लाल की छठी कंस कर चिंता व्यापी, भई लाल की छठी कंस कर चिंता व्यापी। नंद बाबा चिंतित हुए, गोपों को आदेश दिया, छकड़ों में सामान भरा गया, कंस का कर लेके गए। मथुरा में जाके कंस का कर दिया है, भेंट दी है और नंद बाबा ने कंस को ये भी बताया है कि मेरे घर छोड़ा हुआ है। ऊपर से तो कंस ने बधाई दे दी लेकिन अंदर से उसके चिंतन में क्या आ रहा है कि उस कन्या ने कहा था ब्रज 84 कोस में तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, पूछता है कब हुआ, कौन सी तारीख को हुआ। नंद बाबा भोले भाले सब कुछ बता देते हैं, फिर जाकर के वसुदेव जी से मिलते हैं। वसुदेव जी से मिले, वसुदेव ने समाचार पूछा है और नंद बाबा को कहा बाबा तुम अतिशीघ्र गोकुल वापस चले जाओ, मुझे कुछ अनर्थ की आशंका हो रही है। नंद बाबा वहाँ से प्रस्थान करते हैं और इधर बाल भारतिनी पूतना जिसको कंस ने निर्देश दिया था कि आज के दिन ब्रज 84 कोस में जितने बालकों ने जन्म लिया है उन सबका जाकर के तुम वध करो। पूतना चली है, बरसाना गोकुल सब बालकों को मारती हुई और आकर के फिर नंद बाबा के द्वार पे जब भीड़ भाड़ देखा पूतना ने तब पूछती है यहाँ कोई उत्सव हो रहा है। लोगों ने कहा हाँ, नंद बाबा के घर एक छोरा हुआ है और छोरा का उत्सव मनाया जा रहा है। अब पूतना ने देखा कि बड़ी भीड़ भाड़ है, कैसे प्रवेश करूँ, इस रूप में तो प्रवेश कर नहीं सकती। तो पूतना ने तुरंत माया ते अति सुघर नारी को वेश बनायो, माया ते अति सुघर नारी को वेश बनायो, मंद मंद मुस्काई सबनि के चित चुरायो, मंद मंद मुस्काई सबनि के चित चुरायो। माया से सुंदर स्त्री का वेश धारण किया, ऐसा लगता था जैसे साक्षात लक्ष्मी उतर आई, दिव्य आभूषण डाले हुए, हाथ में पुष्प लिए, बदवाती चाल चलती हुई नंद बाबा के द्वार पे पहुंचती है। सबने अपने आप मार्ग दे दिया, इतनी सुंदरता ब्रजवासी कह रहे हमने तो देखी नहीं, लगता है तो साक्षात देवी है, साक्षात लक्ष्मी उतर आई है। सबने मार्ग दिया और नंद बाबा के महल में प्रवेश करती है। पहले रोहिणी से मिली, महाराने की समझ रोहिणी बिहस बिठाई, रोहिणी एक टक पूतना को देखती गई, इतनी सुंदरता तो मैंने नंद गांव में नहीं देखा, गोकुल में नहीं देखा, इतनी सुंदर एक भी गोपी आज तक मुझे दिखाई नहीं पड़ी। हो सकता है महाराने से आई हो, कोई दूर की रिश्तेदार हो, बड़े प्रेम से मिली। फिर यशोदा मैया मिली, जसुमती सोची नई बहु मथुरा से आई, यशोदा मैया ने सोचा शायद ये नई बहु मथुरा से आई है।
स्वागत किया, बैठाया और यशोदा मैया पूतना के सुंदर स्वरूप का वर्णन कर रही हैं। देवी तुम कितनी सुंदर हो, कितना तेज है तुम्हारे अंदर, कितनी पुष्ट हो, कितनी दिव्य हो, कितनी पावन हो, प्रशंसा किए जा रहे हैं। पूतना ने कहा, अरे यशोदा एक बार अपने लल्ला का दर्शन तो करा दे, दर्शन करा के एक बार तू अपने लल्ला को मेरी गोद में दे देगी और मैं तेरे लल्ला को अपना स्तन पान करा दूंगी, दूध पान करा दूंगी, तो मेरे जैसा तेरा लल्ला भी सुंदर हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा, चेहरे पर एक अद्भुत क्रांति आ जाएगी, दिव्यता सुंदरता पावनता शक्ति, मेरे दूध पान कराने से सब कुछ आ जाएगा। यशोदा मैया देखा कितनी सुंदर है और अपना दूध मेरे लल्ला को पिला देगी तो मेरा लल्ला भी सुंदर हो जाएगा, इसी की तरह सुंदर हो जाएगा, दिव्य कांति दिव्य प्रभा हो जाएगी। और मैया ने ला करके लल्ला को पूतना की गोद में दे दिया। पूतना दूध पान करा रही, मैया काम में व्यस्त हो गई और ठाकुर ने जैसे पूतना को देखा तो आंख बंद कर लिया, नेत्र बंद कर लिया। परीक्षित ने सुखदेव स्वामी से पूछा कि पूतना को देख करके भगवान ने नेत्र क्यों बंद कर लिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन इसमें कई कारण हैं। पहला कारण है कि पूतना बाल खाती है, पूतना बालकों को मारती है और जो बालकों को नन्हे बालकों मारता है उसे बाल घातिनी कहते हैं। और सुखदेव स्वामी कहते हैं बाल घात का इतना बड़ा पाप होता है कि वो किसी फुण से कटता नहीं है, तो पूतना बाल घातिनी है, बाल घातिनी को देखना भी अनिष्टकारक है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिया। बोलो जय जय श्री राधे। किसी बच्चे को मारना महापाप होता है और भ्रूण हत्या भारत में खूब हो गया, ये भी तो बाल घात है ना, बच्चे ने जन्म नहीं लिया और गर्भ में उसको मार देना बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। पूतना जैसा ही पाप है, बाल घातनी पूतना को भगवान ने देखा नहीं, भगवान ने नेत्र बंद कर दिया। फिर सुखदेव स्वामी कहते हैं हो सकता है इसलिए नेत्र बंद कर दिया हो और हो सकता है भगवान ने सोचा इसने माया से रूप बनाया है और माया भगवान की दासी है, मायापति के आगे माया नहीं चल सकती और कहीं भगवान ने नेत्र खोल दिया तो पूतना की माया समाप्त हो जाएगी। तीसरा कारण हो सकता है कि भगवान गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं कि आज से मैंने असुरों का संहार प्रारंभ करना है और सबसे पहले पूतना से प्रारंभ करूंगा। तो जब व्यक्ति कोई पहला काम पहली पूजा पहला काम करता है तो किसको मनाता है, प्रथम पूजनीय देवता गणेश को, तो भगवान गणेश का ध्यान कर रहे हैं कि प्रभु कृपा करना आज पूतना से ही शुरुआत कर रहा हूँ, आज शुभारंभ यहीं से कर रहा हूँ, असुर विनाश का कार्य आज से प्रारंभ करना है, तो प्रभु कृपा करना, गणेश जी महाराज कृपा करना। और चौथा कारण कि भगवान नेत्र बंद करके शिव जी का ध्यान कर रहे हैं कि महाराज मैं तो माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ और ये पूतना मुझे विष पिलाने आई है, मैंने आज तक विष पान नहीं किया, 56 प्रकार के पदार्थों का सेवन तो जरूर किया है, भक्तों ने अच्छे अच्छे पदार्थ का भोग तो मुझे जरूर लगाया है, लेकिन किसी भक्त ने आज तक मुझे विषपान नहीं कराया और एक पूतना मौसी मुझे विषपान कराने आई है, तो मुझे विष पीने का अभ्यास नहीं है, इसलिए भोले बाबा आप तो हलाहल पी गए थे और इस वक्त मेरी विषपान में मदद करना, इसलिए शिव जी का भी ध्यान कर रहे हैं। कुछ भी हो भगवान ने पूतना को देख के नेत्र बंद कर लिया, पूतना ने अपना स्तन भगवान के मुख में दिया, पिए प्रभु पे पान सन, भगवान पूतना के स्तन का पान कर रहे हैं, पिए पे पै माने दूध, पिए पे प्रभु प्राण सन, पूतना के दूध का भी पान कर रहे हैं
और पूतना के प्राणों का भी पान कर रहा है। पूतना को ऐसा लगा जैसे मेरे प्राणों का पान कर रहा है, चिल्ला पड़ी मुझे छोड़ दे। भगवान ने कहा वैसी पहले मैं जल्दी से किसी को पकड़ता नहीं और जब पकड़ लेता हूँ तो छोड़ता नहीं। भगवान पहले किसी का हाथ जल्दी से पकड़ते नहीं और जब पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं। ये ठाकुर की कृपा है। ठाकुर कहते हैं देवी मौसी मैं बड़ी मुश्किल से पकड़ता हूँ लेकिन जिसको पकड़ लेता हूँ उसको छोड़ता नहीं। अब तू मुझसे छूटने वाली नहीं है। ठाकुर को लेकर के आकाश मार्ग में पहुंचती है। ठाकुर ने स्तन पान करते करते ही दुग्ध पान करते करते ही पूतना के प्राणों का भी पान कर लिया। इधर यशोदा मैया रोहिणी जी गोप गोपी ग्वाल बाल सब भाग रहे हैं। ले गई लाला को आकाश में ले गई और जैसे ठाकुर ने पूतना के प्राणों का पान किया बड़े तेज की आवाज हुई अर्ण धम्म करके पूतना इस धरती पर गिरी। और पूतना का शरीर इतना बड़ा था कि जहाँ पूतना गिरी वो कंस का बगीचा था और बगीचा छोटा मोटा नहीं था। कंस बाग छह कोस लंबा चौड़ा कंस का बगीचा था और उस छह कोस लंबे चौड़े बगीचे में पूतना गिरी। गिरी पूतना तुरत नाश सब ब्रज को कीनो। गिरी पूतना तुरत नाश सब ब्रज को कीनो। कंस बाग छह कोस ताई चौपट कर दीनो। कंस बाग छह कोस ताई चौपट कर दीनो। पूतना के गिरते ही कंस का छह कोस का लंबा चौड़ा बगीचा नष्ट भ्रष्ट हो गया। सारे वृक्ष टूट गए। ग्वाल बाल गोपियां भागती आकर के देखती हैं पूतना पर्वताकार पड़ी है। मुंह मानो गिरी गुहा उसका मुख ऐसा था जैसे पर्वत की कंदरा हो। मुख मानो गिरी गुहा दाढ़ खुंटा समता की उसके दांत इतने बड़े बड़े थे जैसे पशुओं को बांधने के लिए बड़े बड़े खूंटे गाड़े जाते हैं इतने बड़े बड़े पूतना के दाढ़ थे। बड़े विकराल बाल और पूतना के बालों में जो जुए पड़े थे ना बालों में जुए पड़ जाते हैं कई बार वो जुए कितने बड़े थे जैसे बड़े बड़े ऐसे बैल बड़े बड़े यहाँ छोटे इतने बड़े बड़े तो पूतना के बालों में जुए पड़े थे। ऐसी विकराल राक्षसी ग्वाल बाल सीढ़ी लगा करके लल्ला को नीचे लेकर के आए हैं। यशोदा मैया ने सबसे पहले लल्ला को दूध पान कराया है। लल्ला ने दूध पिया है। मैया स्वस्थ हुई कि मेरे लल्ला को कुछ हुआ नहीं लेकिन राक्षसी है पता नहीं लल्ला को कुछ जादू टोना कर दिया हो। ले जा कर के गाय के नीचे गाय के पूंछ से पहले गोरोचन का तिलक लगाया गाय के गोबर का तिलक लगाया गोमूत्र का तिलक लगाया और गाय के पूंछ से ठाकुर को झाड़ रही है और किसका नाम लेकर के हे गोविंद हे माधव हे ठाकुर हे ऋषिकेश मेरे लल्ला की रक्षा करना। ठाकुर मुस्कुरा रहे हैं वाह भैया मेरे ही नामों से मेरा ही झाड़ फूक कर रही है। गाय के पूंछ से लल्ला का झाड़ फूक किया है। और इधर नंद बाबा कंस को कर दे करके लौटे हैं। मन में एक शंका है कहीं गोकुल में कोई उत्पात न हुआ हो क्योंकि वसुदेव जी ने कहा था। और जैसे ही कंस के बगीचे के पास पहुंचे पर्वताकार पूतना को देखा नंद बाबा घबरा गए मेरा लल्ला तो ठीक होगा। हे ठाकुर मेरे लल्ला की रक्षा करना मुझे तो लगता है वसुदेव तो ज्योतिषी है सच कहा था कि नंद बाबा वापस चले जाओ गोकुल में कोई अनहोनी होने वाली है ग्वालो जा करके देखो। जब उनको सूचना मिली लल्ला सुरक्षित है तब नंद बाबा ने चैन की सांस ली और सारे ग्वाल बाल इकट्ठे होके जितने वृक्ष टूटे थे सभी वृक्षों की लकड़ियों को काट काट के पूतना के शरीर को ढक दिया। छह कोस का बगीचा अब बताओ उस बगीचे में कितने वृक्ष रहे होंगे और सभी वृक्षों को काट काट करके पूतना के शरीर को ढक दिया गया। और जब पूतना के शरीर को आग लगाई गई
अंतिम समय में एक क्रिया होती है सबके साथ होना। हर व्यक्ति जलने के लिए तैयार है, हर व्यक्ति मृत्यु के ट्यूब में लाइन में लगा हुआ है। एक दिन एक पंचभौतिक शरीर जलाया जाएगा। जब भी कोई संसार से जाता है तो चार कंधे पर जाता है, पीछे वाले बोलते हैं राम नाम सत्य है। देखिए राम नाम सत्य है, मुर्दा मस्त है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस समय न बोल सकते हो न सुन सकते हो, इसलिए जीते जी बोल दिया करो राम नाम सत्य। सब बोलते हैं कि जाने वाला नहीं बोलता। हाँ, वो कदम कदम पे उपदेश देता हुआ जाता है। मेरे साथियों, मेरे मित्रों, हमें तुम्हें ज्यादा अंतर नहीं है। आज मैं कंधों पे जा रहा हूँ, तुम पैदल आ रहे हो। मैं जलने जा रहा हूँ, तुम जलाने आ रहे हो। फर्क इतना ही है मेरे दोस्तों, मैं आज आ गया हूँ, तुम कल आ रहे हो। हर व्यक्ति मुझे सिटी में लगा हुआ ध्यान रखना। ठाकुर की मानसिक कृपा अवश्य रहती है जीवन में। एक दिन भी भस्मीभूत हो जाएगा और ठाकुर की मानसिक कृपा हो गई तो जीवन धन्य हो जाएगा, पावन हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। पूतना के शरीर में आग लगाई गई, धू धू करके जब पूतना की चिता जली तो चारों तरफ सुगंध फैली, खुशबू चारों दिशाएं खुशबू से भर गई, सुगंध से भर गई। परिचित ने सुखदेव स्वामी से पूछा, महाराज जब किसी का पंचभौतिक शरीर जलता है तो खुशबू नहीं आती, दुर्गंध आती है। और दुर्गंध को दूर करने के लिए चंदन का बुरादा डाला जाता है, घी डाला जाता है, हवन सामग्री डाली जाती है। जब भी कोई जलता है तो खुशबू नहीं आती, लेकिन आप कह रहे हैं पूतना का शरीर जला तो चारों तरफ सुगंध फैल गई, सारों चारों दिशाएं सुगंधित हो गई। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन जरा चिंतन करो, पूतना बाल घाती थी, पूतना ने कितने पाप किए थे, राक्षसी थी, लेकिन जिस शरीर का स्पर्श हमारे ठाकुर ने कर लिया वो तो दिव्य हो गया। ठाकुर के स्पर्श के कारण पूतना के शरीर से दुर्गंध नहीं सुगंध आने लगी। ये ठाकुर के स्पर्श का चमत्कार है। बोल जय 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 श्री। सुगंध फैल गई, पूतना का संस्कार हुआ। नंद बाबा आए हैं, ठाकुर छोटे से क्रीड़ा कर रहे हैं। मैया ने ठाकुर को रोज सजाती है, मैया जिठौना लगाती है कि कहीं कन्हैया को नजर न लग जाए। और एक दिन मैया ने कन्हैया को पालने में सुलाया तो ठाकुर ने करवट बदला। मैया ने गोपियों को बुलाया, आज मेरे लल्ला ने करवट लिया है तो आज क्या होगा, करवट बदल उत्सव। रोज ब्रज में पुरी को उत्सव होता करवट बदल। ठाकुर ने करवट लिया, गोपियां इकट्ठी हो गई, ढोल चिमटा लेकर के, और ठाकुर के नाम का करवट बदल उत्सव शुरू हो गया। आज बजावा बदल दे नचन दे नचन दे, माताओं की ढोल चिमटे कड़कने लगे। लाला की नींद खुली, मैया यशोदा ने कहा, धीरे से बोलो, अभी मेरा लल्ला सो रहा है। गोपियों ने कहा, जब तुझे लल्ला की इतनी चिंता थी तो हम सबको बुलाया क्यों था, अब चाहे तेरा लल्ला रोए चाहे गाए, हम तो नाचेंगी गाएंगी बधाई देंगी। मैया ने कहा, ठहरो, मैं बाहर छकड़ा खड़ा है और छकड़े के नीचे लल्ला का झूला टांग देती हूँ। लल्ला को ला करके छकड़े के नीचे टांग दिया। अब ठाकुर के नाम का कीर्तन हो रहा, भजन गाया जा रहा है, उन्हीं का करवट बदल बनाया जा रहा है। और ठाकुर पालने में क्या सोच रहे हैं, देखो इन माताओं को मेरे नाम का कीर्तन कर रही है, मेरा करवट बदल उत्सव मना रही है और मुझे छकड़े के नीचे टांग रखा है। ये सब कीर्तन भजन में मस्त है और मुझे किसी की मेरी किसी को चिंता नहीं है। बाला नाम रोदनम बलम, बच्चे का बल क्या है, रोना। जब बच्चे को कुछ चाहिए तो छोटा बच्चा मांगता नहीं ना, क्या करता है, रोता है। बाला राम रोदरम बलम, बच्चे का बल है रोना। ठाकुर जोर जोर से रोने लगे और जहाँ ढोलक और चिमटा बज रहा है, गोपियां नृत्य कर रही हैं, वहां छोटे से बालक का रोना सुनाई पड़ेगा क्या। ठाकुर जोर जोर से रोए लेकिन मैया ने नहीं सुना, गोपियों ने नहीं सुना।
छोटे छोटे ग्वाल बाल खेल रहे हैं, लाला को चुप कराते हैं, मैया को आवाज लगाते हैं, भैया लल्ला रो रहा है, लेकिन भैया तो नाचने गाने में लगी है। ठाकुर ने कहा मैया को मेरा दुश्मन समाप्त हो गया है, याद दिलाना चाहिए मैया जिसके लिए गा रही है, नाच रही है, बजा रही है, वो छकड़े के नीचे पालने में सुला रखा उसको, और जब रोना नहीं सुनाई पड़ा तो ठाकुर ने पैर ऊपर उठाया और छकड़ी पर जैसे ही पग से प्रहार किया वो छकड़ा वो बैलगाड़ी आकाश में उड़ गई। उसके ऊपर जितने मिट्टी के बर्तन रखे थे जब वो नीचे गिरी तो अरड़ धम्म करके सब टूट गए, सामान चारों तरफ बिखर गए, गाड़ी का एक एक पुर्जा इधर उधर बिखर गया। भैया को आवाज सुनाई पड़ी, गोपियों के साथ भागती आकर के देखती है, अजीब दृश्य, गाड़ी टूट गई, बांडे टूट गए, लेकिन दृष्टि भैया की कहा लल्ला पर, लल्ला फिर भी पालने में सुरक्षित है। बोलो जय जय श्री। भैया को बड़ा आश्चर्य हुआ, गाड़ी टूट गई, बर्तन टूट गए, पालने में लल्ला सुरक्षित है, जाके लल्ला को क्रोध में उठाया है, सीने से लगाया है, छोटे छोटे बाल बालों से पूछता अरे क्या हुआ था। बाल बालों ने बताया भैया पहले तो लल्ला रोया, तू न सुनी, हमने आवाज लगाई तुझे सुनाई नहीं पड़ो, फिर लल्ला ने अपना पैर उठाया और बैलगाड़ी पर ऐसे मारा आकाश में उड़ गए। यशोदा मैया ने कहा अरे बावलो भांग तो नहीं पी रखी है, छोटा सा लल्ला अभी 6-7 दिन का ही हुआ है और उसने पैर से बैलगाड़ी पर मारा, बैलगाड़ी आकाश में उड़ गई। बाल बाल कहते मैया तेरी सौ, हम सच कह रहे हैं कि बैलगाड़ी आकाश में उड़ गई। बोले तुम सब भांग पी के आए हो, स्वप्न देखा होगा, छोटा सा लल्ला कभी ऐसा कार्य कर सकता है, लेकिन लल्ला सुरक्षित है, मैया प्रसन्न है, रोज लाला की नई नई लीलाएं होती है, लेकिन लाला ने खेल खेल में ही सटका सुराया है, जो सटक में आकर के गुप्त रूप से बैठा है भगवान का वध करने के लिए कंस ने भेजा था और भगवान ने खेल खेल में ही सटकासुर को मारा है, त्रिणावर्त को मारा है। भगवान थोड़े से बड़े हुए हैं, नंद बाबा विचार करते हैं अब मेरा लल्ला बड़ा हो गया है, इसका नामकरण संस्कार करना चाहिए, और जैसे मन में संकल्प आया तो गर्गाचार्य गर्ग पुरोहित अचानक गोकुल में प्रवेश करते हैं। नंद बाबा के घर आए तो गर्गाचार्य अपने आप नहीं आए थे, उनको वसुदेव जी ने भेजा था कि चले जाओ नंद बाबा के घर, मेरे दोनों पुत्र बड़े हो गए होंगे, उनका जाकर के नामकरण संस्कार करो। गर्गाचार्य आए हैं, नंद बाबा ने स्वागत सत्कार किया है और प्रार्थना की, महाराज बड़े अच्छे समय पर आए, आप जैसा ऋषि, आप जैसा मुनि, आप जैसा आचार्य मेरी लाला का नामकरण संस्कार कर दे। तो गर्ग पुरोहित ने कहा बाबा मैं नामकरण संस्कार कर दूंगा, लेकिन कंस को पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि मैं वसुदेव का पुरोहित हूँ, कहीं कंस को पता चल गया सब हो गया तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए कोई उत्सव न बनाओ। गौशाला में गाय के गोबर से जमीन को लिपवाओ, संक्षिप्त पूजा करूंगा, थोड़ी सी पूजा करवाऊंगा और तुम्हारे लाला का नामकरण संस्कार कर दूंगा, बाद में सबके घर प्रसाद भेज देना, किसी को पता न चले, गुप्त रूप से लाला के नामकरण संस्कार की तैयारी हुई। यशोदा मैया और लाला को लेकर के चली तो दोनों आपस में बात करती हैं, बाबा को कुछ आता भी है कि नहीं, कहीं बाबा पोगा पंडित तो नहीं है, कुछ ज्ञान भी है कि नहीं, तो गर्ग पुरोहित की परीक्षा लेने के लिए माताओं ने क्या किया, अदला बदली कर ली। यशोदा मैया ने
रोहिणी के बालक को अपने गोद में ले लिया और रोहिणी ने यशोदा मैया के बालक को अपनी गोद में ले लिया। आकर के दोनों बैठ गई। गर्ग पुरोहित ने ध्यान लगाया। मैया सोचती है कि कुछ बताएगा तो पता चलेगा। ध्यान लगा करके पहले तो ठाकुर का ध्यान किया। ठाकुर ने मन मन में आदेश दिया, बाबा नेत्र खोलो, मेरा भेद नहीं खोलना है, मैं तो शिशु लीला करने बाल क्रीड़ा कर रहे हैं इस ब्रज में, मेरा भेद नहीं खोलना। गर्ग पुरोहित ने नेत्र खोला। नेत्र खोलते बोले, यशोदा मैया जो तुम्हारी गोदी में बालक है ये रोहिणी का बालक है, तो पहले रोहिणी के बालक का मैं नाम रखता हूँ। दोनों आपस में इशारा करते, बाबा कितना जानकार है, इसको पता चल गया कि कौन मेरा बालक है और कौन तेरा बालक है। यशोदा मैया जो तुम्हारी गोद में रोहिणी का बालक है उसका नाम हम रखते हैं बलराम संकर्षण, क्योंकि कर्षण के द्वारा आए हैं। देवकी के गर्भ से कर्षण करके माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया था, इसलिए इनका नाम पड़ा बलराम और संकर्षण। बोले रोहिणी जी जो तुम्हारी गोदी में यशोदा मैया का बालक है उसका नाम मैं रखता हूँ कृष्ण। कृष्ण मतलब होता है जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करे, खींचे, कृष्ण। तो इसका नाम मैं रखता हूँ कृष्ण, बलराम और कृष्ण नाम रखा। नामकरण संस्कार हुआ। नामकरण संस्कार तो हो गया, लेकिन उत्सव भयो न कछु पठायो घर घर हलुआ। 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 कोई उत्सव नहीं हुआ, कोई फंक्शन नहीं मनाया गया। घर घर में यशोदा मैया ने हलवा भिजवा दिया कि मेरे लल्ला का नामकरण संस्कार हो गया है। दोनों माताएं अंदर आई, विचार करती हैं, भारी है जी नाम कहे हम कनुआ बलुआ। 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 दोनों माताएं आपस में बैठ के विचार करती हैं। नाम बहुत बड़े बड़े हैं, बलराम संकर्षण। यशोदा मैया ने कहा बन इसका नाम तो फिर भी ठीक है, बलराम संकर्षण, लेकिन मेरे लल्ला का नाम जो बाबा जी ने रखा है कृष्ण, जीभ भी उल्टी हो जाती है, कृष्ण बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, बहुत बड़ा नाम है, हम इस नाम से नहीं पुकारेंगी। रोहिणी जी कहती है जी फिर किस नाम से बुलाओगी। बोले कनुआ बलुआ, कृष्ण को कनुआ और बलदाऊ को बलुआ। भारी है जी नाम कहे हम कनुआ बलुआ। भारी है जी नाम कहे हम कनुआ बलुआ। उत्सव भयो न कछु पठायो घर घर हलुआ। उत्सव भयो न कछु पठायो घर घर हलुआ। माताओं ने नाम रखा कृष्ण का कनुआ और दाऊ जी का नाम बलुआ। सारे ब्रज के लोग कृष्ण को कनुआ नाम से पुकारते हैं और दाऊ जी को बलुआ, कनुआ बलुआ। नामकरण संस्कार हो गया। अब ठाकुर जी थोड़ा सा बड़े हुए और एक दिन मैया यशोदा ने ठाकुर को पालने में सुलाया, श्रृंगार किया, काजल लगाया, जिठौना लगाया। मैया ने देखा लल्ला सो गया है, तो मैया पड़ोस में पड़ोसिन के पास कुछ गप सप लगाने चली गई कि थोड़ी देर की फुर्सत मिली है, लल्ला सो रहा है। अब लल्ला की नींद खुली, देखा मैया नहीं है। पहले ब्रज में कच्चे मकान होते थे, महल नहीं होते थे। उस कच्चे मकान में ठाकुर पालने में लेटे अकेले ही, और थोड़ी दूर पे मटकी में ताजा ताजा मक्खन रखा हुआ है। ठाकुर आज पहली बार पालने से नीचे उतरे और जाके मक्खन के मटके को पकड़ा और खड़े हो गए। ताजा ताजा मक्खन तैर रहा है, बड़ा अच्छा लगा। फिर ठाकुर ने धीरे से माखन की मटकी में हाथ डाला
और माखन निकाल करके एक ग्रास खाया, वहाँ बड़ा आनंद आया। मैया रोज खिलाती है लेकिन इतना आनंद नहीं आता जितना आज अपने हाथ से लेके खाने में आता। दूसरी बार डाला तो उसी मटके में नहीं, दूसरे मटके में फिर खाया और आनंद आया। तीसरी बार तीसरे मटके के पास पहुंचे, उसमें हाथ डाला और जैसे उसमें हाथ डाला उससे भैया आ गई। घर में खडर पिटर की आवाज आ रही है, भैया ने आवाज लगाई, ओ हम घर के अंदर कौन है? आवाज आई, श्री कृष्ण हम, मैं घर के अंदर श्री कृष्ण हूँ। भैया ने सोचा मैं तो इसको सुला के गई थी, उठ गया इतने जल्दी। अंदर पहुंचती है तो देखा माखन के मटके को पकड़ के खड़े हैं, एक हाथ से मटके को पकड़ा हुआ है और एक हाथ मटके के अंदर डाला हुआ है। भैया ने देखा, अरे कनुआ ये मटका मैंने भगवान के भोग के लिए अलग रखा था और तूने इसको भी जूठा कर दिया। खाना था तो मेरे से मांगता और अभी मैं तुझे खिला पिला के सुला के गई हूँ, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? मैं फिर आती तुझे माखन खिलाती। ठाकुर एकदम रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। भैया ने कहा, अरे क्या हो गया तुझे? ठाकुर बोले, भैया तुझे मेरे दुख सुख का ध्यान नहीं रहता। भैया ने कहा, अल्लाह क्या हुआ, मैं तुझे खिला के पिला के सुला के गई हूँ और तू कहता है तुझे दुख सुख का ध्यान नहीं रहता, तुझे भूख लगी थी क्या? ठाकुर बोले, भैया मुझे भूख नहीं लगी थी। बोले, फिर लल्ला माखन के मटकी में हाथ क्यों डाल रखा है? ठाकुर तो बड़े चाला, बोले अरे भैया तू बड़ी भोली है, तूने मेरे हाथ में सोने के कंगन पहना रखे हैं, सोने में बड़ी गर्मी होती है, एक तो सोने का कंगन और उस कंगन में सूर्यमणि लगी हुई, एक सोने की गर्मी एक सूर्यमणि की गर्मी, तो मेरे हाथ को जलाए जा रहा था एक कंगन। भैया ने कहा, फिर? लल्ला ने कहा, भैया जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो हाथ को ठंडा करने के लिए माखन की मटकी में डाल दिया। भैया ने कहा, लल्ला मैं सब समझती हूँ, ये तू हाथ को ठंडा कर रहा है तो तेरे मुख में माखन कैसे लग गया? खाते समय थोड़ा मुख में लग गया था। ठाकुर सोचे भैया ने तो पकड़ लिया, लेकिन ठाकुर तो ठाकुर ठहरे। बोले, भैया तेरी इस कच्चे मकान में कितने मच्छर मक्खी कितने हैं? और भैया जब मैं हाथ को ठंडा कर रहा था तो एक मच्छर आकर के मेरे मुंह पे बैठ गया और मच्छर ने जोर से डंक मारी, हटे ही ना, तो मैंने जैसे ही मटकी के अंदर से हाथ निकाला, अब हाथ में तो मक्खन लगा ही था, मच्छर को उड़ाने के लिए मैंने जैसे हाथ मुंह को लगाया तो मुंह में भी मक्खन लग गए, खाया नहीं है। तर्क के द्वारा मैया को संतुष्ट कर दिया, मैया संतुष्ट हो गई कि मच्छर को उड़ाने के लिए मुंह में हाथ लगाया होगा और मक्खन मुंह में भी लग गया। लेकिन आज ठाकुर को बड़ा आनंद आया। दूसरे दिन ठाकुर ने ब्रज के समस्त ग्वालों को इकट्ठा किया, बोले भैया आज एक मीटिंग है। बोले, क्या मीटिंग है? बोले, मक्खन चुरा के खाने में बड़ा आनंद आता है, आज मैंने अपने घर में ही चोरी की थी, बड़ा आनंद आया। ग्वाल बालों ने कहा, फिर? बोले, आज से हम घर घर में जाके मक्खन चुराएंगे। ग्वाल बालों ने कहा, अरे नंद के तू हमें मक्खन चुराना सिखाएगा, चोरी सिखाएगा? आज तक हमारे बाप दादा ने भी चोरी नहीं और तो हमें चोरी सिखाएगा? भगवान कहते हैं, अरे ग्वाल बालो, कपड़ा नहीं चुराना, पैसा नहीं चुराना, संपत्ति नहीं चुराना, केवल माखन चुराना। और फिर तुम भी तो सोचो कि तुम्हारी माताएं गोकुल का सारा मक्खन मथुरा में पहुंचा देती हैं, मथुरा के लोग मक्खन खा खा के कितने हिष्ट पुष्ट हो गए हैं, और ये देखो श्रीदामा कितना कमजोर है, मधु मंगल की हड्डियां नहीं कर, तो कम से कम हम चुरा के मक्खन खाएंगे तो घर में मक्खन रहेगा और ग्वाल बाल मजबूत होंगे। बोले, फिर क्या करना पड़ेगा? भगवान कहते हैं, आज से एक कमेटी बना देते हैं, मंडल बना देते हैं,
उसका नाम रखते हैं ग्वाल बाल चोर विद्या प्रचार मंडल। ग्वाल बाल चोर विद्या प्रचार मंडल तैयार हो गया मंडल। और ठाकुर ने कहा भाई कल से सब मिलकर के घर घर में चोरी करेंगे। भाई जब कछु कछु बड़ी नंद लाला की थोरी, भाई जब कछु कछु बड़ी नंद लाला की थोरी, तीखी विद्या प्रथम दही माखन की जोड़ी, तीखी विद्या दही माखन की जोड़ी। सबसे पहले कौन सी विद्या सीखी? दही माखन चुराना सीखी विद्या प्रथम, दही माखन की चोरी। संग सखा सब लिए खेली वे घर घर राम, संग सखा सब लिए खेल वे घर घर राम, माखन कभी धरो कैन से तार लगाम, माखन कभी धरो कैन से तार लगाम। घर वालों की टोली घर घर में खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन खेल का तो बहाना है, दही और मक्खन कहाँ रखा है? एक बार बालों का काम है। एक घर में पहुंचे, एक श्यामा नाम की भाभी है, दरवाजे पर खड़ी है। भाभी कई बापे भवन, बाल बालों ने कहा इसके घर में माखन दही तो बहुत है लेकिन कन्हैया दरवाजे पर खड़ी है। ठाकुर ने कहा अभी मेरा चमत्कार देखना, इसको कैसे पागल बनाता हूँ। पहुंचे बोले भाभी राम राम। भाभी ने कहा अरे कन्हैया आज किसके घर डकैती करेगा, नाराज हो गए? तू मुझे चोर बताती है डकैत बताती है, मेरे घर में दूध माखन की कमी है क्या? सुबह सुबह सारा मूड खराब कर दिया, नाराज हो गए? और देख मैं तो तेरे दरवाजे पे आता भी नहीं लेकिन तू दरवाजे पे खड़ी थी ना। कहे थे नई पहनी चूड़ी, जो तेरे हाथ में तूने नई नई चूड़ियां पहनी है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, तेरे हाथों में बहुत अच्छी लग रही है। मैं तो तेरे चूड़ियों की प्रशंसा करने के लिए आया था और तूने आते ही टोकरा मेरे सर पे फोड़ दिया। कितनी कंजूस है तू, कितनी कमीनी है, आज के बाद तेरे दरवाजे पे आऊंगा नहीं। अरे मैं तो तेरी तारीफ करने आया था। कहे नई पहनी चूड़ी, ये नई नई चूड़िया पहने कितनी सुंदर लग रही तुझे, लेकिन तूने तो मेरे मूड का ही सत्यानाश कर दिया। भाभी बोले अरे कनुआ माफ करना, मुझे क्या पता कि तू मेरी चूड़ियों की प्रशंसा करने आया है। अच्छा बता मेरी चूड़िया कैसी लग रही है? अरे बोले भाभी इन चूड़ियों में तो कितनी अच्छी लग रही है, मैं वर्णन नहीं कर सकता कितनी सुंदर चूड़िया है। ऐसे बातों में उलझाया कि बेचारी चूड़ियों में ही खो गई। और ठाकुर का संकेत बात ही ग्वाल बाल अंदर प्रवेश करते हैं, सारे माखन की मटकी दही की मटकी देखते देखते गायब। जब मटकियां बाल ग्वाल बाल लेके चले गए तब ठाकुर ने कहा अच्छा भाभी मैं चलो राम राम फिर आऊंगा, फिर तेरी चूड़िया फिर नहीं पहनना, फिर प्रशंसा करूंगा, बहुत सुंदर लग रही है। वो तो इतनी भूली न समाई कि आज ठाकुर मेरी प्रशंसा करके गए हैं कि तो कितनी सुंदर लग रही है, तेरी चूड़िया कितनी सुंदर है, और सब कुछ भूल गई। और जैसे मकान में प्रवेश किया तो देखा एक भी मटकी नहीं, न माखन की मटकी और न दही की मटकी। बात भी जाके देखती है तो जमुना के किनारे ग्वाल बालों को मक्खन खिला रहे हैं, दही खिला रहे हैं, बंदरों को खिला रहे हैं। बेचारी अपने सर पे हाथ रखा रोती हुई वापस आ गई। और रोज ब्रज में ठाकुर किसी न किसी गोपी के घर में ऐसे नित्य लीला करते हैं। गोपियां इकट्ठी होकर के यशोदा मैया के पास आई हैं और उलहना देती हैं, नहीं हम ब्रज में रहे कान जब बहुत सतावे, नहीं हम ब्रज में रहे कान अब बहुत सतावे, घर घर चोरी करे नित्य उत्पात मचावे, घर घर चोरी करे नित्य उत्पात मचावे। भैया सुधा अब हम ब्रज में नहीं रहे, तेरे लाला ने इतना उत्पात मचा रखा है, घर घर चोरी करता है, माखन की मटकी तोड़ देता है। भैया ने कहा तुम्हारे घर में प्रवेश कैसे करता है, क्या तुम दरवाजे पर नहीं होती? गोपियां कहती हैं कबहू बाबा जी बने,
कभी तो बाबा जी बन करके घर में प्रवेश करता है और छोरी हो बनी रात है, और कई बार छोरा से छोरी बन जाता है। भैया उसी के भेद को कोई पा नहीं सकता, कैसे कब घर में घुस जाएगा पता नहीं। भैया भैया ने कहा मैं तो नित्य उसको अपने पास ही देखती हूँ। गोपियों मुझे लगता है तुम झूठ बोल रही हो, मेरे लल्ला को बदनाम करना चाहती हो। चलो तुम्हारे घर में चोरी करता है, लेकिन चोरी करते ही रंगे हाथ पकड़ के लाओ, मैं मान जाऊंगी। समस्त गोपियों की मीटिंग हुई, यशोदा ने चैलेंज दिया है कि रंगे हाथ पकड़ो। कैसे पकड़ा जाएगा? सारी गोपियां इकट्ठी हुई, ब्रज का सारा मक्खन। एक गोपी का नाम था प्रभावती, प्रभावती के घर एक बहुत बड़े मटके में भरा और एक छीके पर ऊपर टांग दिया और छीके के नीचे एक बहुत बड़ी घंटी बांध दी और गोपियां इधर उधर छिप गई कि अब आएगा। मान लिया पहले तो ऊपर हाथ जाएगा नहीं, किसी प्रकार से ऊपर हाथ गया, माखन की मटकी उतारेगा तो घंटी बजेगी और घंटी बजेगी तो हम चारों तरफ से इसको पकड़ लेंगे। गोपियां सावधान है, ग्वाल बाल इकट्ठे हुए, कन्हैया को कहा भैया लागी भूख उधर में चूहे कूद के, भैया लागी भूख उधर में चूहे कूद के, भैया लागी भूख उधर में चूहे कूद के, भैया लागी भूख उधर में चूहे कूद के। अरे कड़वा हम सब को भूख लगी भैया, पेट में चूहे कुदर रहे हैं, आज किसके घर चोरी करेगा? ठाकुर ने कहा भैया आज व्रत की गोपिकाएं सावधान हो गई हैं, प्रभावती के घर में पूरा मक्खन छीके पर टांग रखा है, नीचे घंटी बांध रखी है, कैसे चोरी करेंगे? ग्वाल बालों ने कहा अरे तू तो चोरों का सरदार है, चोरी कला में निपुण यति नद नंदन घन श्याम है। अरे तू तो चोरी के कला में बड़ा निपुण है, बड़ा प्रवीण है, कोई तरीका निकालना। भगवान ने कहा अच्छा चलो एक काम करना, सारे एक के ऊपर एक खड़े हो जाना, मैं तुम सब के ऊपर खड़ा हो जाऊंगा, पर्वताकार गोला बना लेना और मैं माखन की मटकी नीचे ले आऊंगा। जब पहुंचे तो देखा घंटी का दिए, ग्वाल बालों ने कहा इस घंटी का क्या करेगा, हाथ लगते ही घंटी बजेगी। ठाकुर बोले चिंता न करो मैं घंटी को आज्ञा दूंगा। अरे बोले दाई घंटी को आज्ञा देगा? बोले हाँ। बोले दे के दिखा। ठाकुर बोले अरे घंटी? घंटी बोली हाँ महाराज। बोले मैं माखन की मटकी उतारूंगा? बोले महाराज उतार लो। बोले तुम बजना नहीं। घंटी ने कहा महाराज मैं क्यों बजूंगी, आप उतारो, मैं बजने वाली नहीं हूँ। ठाकुर ने कहा देखो मेरी आज्ञा घंटी भी मानती है। ग्वाल बालक के ऊपर चढ़े, माखन की मटकी नीचे उतार लाए, घंटी नहीं बजी, मटकी नीचे रखी। और ठाकुर ने सोचा पहले थोड़ा भोग लगा लूँगा, ताजा ताजा मक्खन देख के मुंह में पानी आ गया और जैसे ही भोग लगाने के लिए माखन की मटकी में हाथ डाला और एक घास मुंह में डाला, उसे टन 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 घंटी बजने लग गए। चारों तरफ से गोपियों ने आके घेर लिया, पकड़ा गया। ग्वाल बाल हैरान है कि ठाकुर ने आज्ञा नहीं थी घंटी बजना नहीं, और घंटी ने कहा मैं बजूंगी नहीं, घंटी ने तो बड़ा धोखा दिया। ठाकुर ने कहा गोपियों सहरी गोपियों मुझे पकड़ लेना, दंड दे लेना, लेकिन एक बार मुझे घंटी से बात कर दे। गोपियां भी हैरान है, दाई की घंटी से बात करेगा? बोले कर ले। ठाकुर ने कहा रही घंटी मैंने कहा था माखन की मटकी उतारूंगा बजना नहीं। घंटी ने कहा महाराज मैंने भी कहा था बजूंगी नहीं। बोले अब क्यों बजी? घंटी ने कहा महाराज आपने कहा था मटकी उतारूंगा तो बजना नहीं, मैं नहीं बजी, लेकिन जब आपको खाने की इच्छा हुई, जब आपने भोग लगाया तो मुझे बजना पड़ा, क्योंकि जब तक मैं बजती नहीं आपका भोग लगता। जब घर में आप लड्डू गोपाल को ठाकुर जी को भोग लगाते हो तो घंटी बजाते हो ना,
बिना घंटी के ठाकुर का भोग लगता नहीं। तो घंटी ने कहा महाराज मेरा दोष कहाँ है, आपको खाने की इच्छा हुई तो मुझे मजबूरन बजना पड़ा, जब तक मैं बजती नहीं आप खाते नहीं तो मेरा दोष कहाँ है। ठाकुर ने कहा ठीक है। ग्वाल बालों ने कहा भैया अब तो हम चले। बोले भैया दंड तो मुझे मिलेगा, गोपियों ने पकड़ रखा छुड़ाओ। ग्वाल बालों ने गोपियों से अन्य विनय की छोड़ दो मेरे सरदार को छोड़ दो। लेकिन प्रभावती ने कहा नहीं, बड़े मुश्किल से पकड़ में आया है, इसने बड़ा तंग कर रखा है, आज छोड़ूंगी नहीं, आज तो इसको पकड़ करके यशोदा मैया के पास ले चलूंगी। सारे ग्वाल बाल तो भाग गए लेकिन केवल मेरे ठाकुर जी पकड़े गए। आवाज लगे भैया सब मुझे छोड़ करके भाग रहे हो। ग्वाल बालों ने कहा भैया ब्रजवासी यार किसके माल खाए किसके, हम तो भैया ब्रजवासी हैं, माल खाए चले, तू जान गोपी जाने तेरी भैया जाने, चल पड़े सब। अब प्रभावती ने ठाकुर का हाथ पकड़ा, ले चलो यशोदा मैया के पास। महल से निकली सारी गोपियां पीछे पीछे, प्रभावती ने ठाकुर का हाथ पकड़ा हुआ है, घर सीखते हुए लेके जा रही है। ठाकुर ने सोचा है इसको पूरे ब्रज में बेइज्जती करा देंगे, विवाह भी नहीं होगा, लोग कहेंगे चोर जा रहा है, पूरे गोपियों का झुंड पीछे पीछे। ठाकुर बोले अरे गोपियों थोड़ी मेरे ऊपर दया करो, अभी मैं छोटा हूँ, मेरा विवाह भी नहीं हुआ है, पूरे ब्रज में बदनाम हो जाऊंगा कि मैं माखन चोर हूँ, थोड़ा तो मेरे ऊपर दया करो। गोपियों ने कहा क्या करें। बोले तुम सारी मेरे पीछे मत आओ, केवल ये प्रभावती मुझे पकड़ करके अकेले यशोदा मैया के पास ले जाएगी, तुम सब दूसरी गली से आ जाओ, मेरा जुलूस तो मत निकालो। गोपियों को दया आ गई, बेचारा कर तो ठीक रहा है। बोले ठीक है प्रभावती तू इस गली से लेके चल, हम पिछली गली से घूम के आती है। अब बेचारी प्रभावती अकेली, ठाकुर का हाथ पकड़ा हुआ है, गली में लोग बैठे हुए हैं, अब ब्रज में माताएं घूंघट काटती हैं, अब लोग बैठे हुए उसने घूंघट भी काट रखा है और ठाकुर को पढ़ के घर सीटती हुई ले जा रही है। मार्ग में उसका पति बैठा हुआ है प्रभावती, उसने इशारा किया, अरे क्या बात है कन्हैया को कहाँ घर सीटती हुई लेके जा रही है। प्रभावती तो नहीं बोली क्योंकि लोग बैठे, लोग के सामने घूंघट के अंदर से कैसे बोलती। अरे ठाकुर बोले तुम्हें पता नहीं कल तुम सबको इसने बासी मक्खन खिलाया था, आज इसने ताजा मक्खन रखा हुआ है और मुझे खिलाने के लिए जबरदस्ती घसीटती हुई ले जा रही है। मैं बहुत मना कर रहा हूँ कि मैं नहीं खाऊंगा लेकिन ये मानती नहीं। उसका पति भागता हुआ आया, अपना हाथ दे दिया, अरे मुझे ले चल मुझे मक्खन खाना है, और ठाकुर ने अपना हाथ छुड़ा लिया, उसके पति का हाथ उसके हाथ में पकड़ा। अब बेचारी ने घूंघट डाला हुआ है, पता तो चल नहीं रहा कि किसका हाथ पकड़ा हुआ है। बोल दो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओ ग्वालिन मत पकड़े मोरी भैया। ठाकुर जी नन्हे से छोटे से बड़े प्यारे थे। मत पकड़े मोरी भैया, मोरी दुखे नरम कलैया, दुखे नरम कलैया हो ग्वालिन, दुखे नरम कलैया ग्वालिन मत पकड़े मोरी भैया, मोरी दुखे नरम कलैया हो ग्वालिन मत पकड़े मेरी भैया, मोरी दुखे नरम कलैया। पकड़े मोरी भैया, मोरी दुखे नरम कलैया, भाभी मत पकड़े मोरी भैया, मोरी दुखे नरम कलैया, दुखे नरम कलैया, भाभी दुखे नरम कलैया, दुखे नरम कलैया,
अब वो कहता है कि मुझे क्यों चिट्ठी लेके जा रही है। अब वो सोच रही कन्हैया ही बोल रहा था, बोले चोर कहीं का आज तुझे अच्छा दंड दिलवाऊंगी और ज्यादा बोलेगा तो यहीं पीटूंगी। कहता है अरे तू कैसी बोल रही, मैं तेरा पति हूँ। बोले अच्छा, अभी तो भाभी कह रहा था पति बन गया मेरा, आज तुझे मजा चखाऊंगी। यशोदा मैया के दरवाजे पर आके आवाज लगाती है, अरी यशोदा अरी यशोदा, देख आज तेरे लाला को मैं रंगे हाथ पकड़ के लाई हूँ। यशोदा मैया ने पालने की तरफ देखा तो ठाकुर तो पालने में सो रहे हैं, गोपियों से पहले ही पहुंच गए हैं। मैया ने सोचा कि ब्रज की गोपी प्रभावती बावरी तो नहीं हो गई, मेरा लल्ला पालने में सो रहा है और करी तेरे लल्ला को पकड़ के लाई हूँ। बाहर निकल करके यशोदा मैया क्या देखती है, अपने पति को पकड़ करके लाई है, खूब हंसी। अरे बोली पहले अपना घूंघट उठा और देख मेरे लल्ला को पकड़ के लाई है कि अपने खसम को पकड़ के लाई है। जब उसने घूंघट उठाया तो बेचारी को बड़ी शर्म आई, सर झुका लिया, पति को छोड़ दिया शर्मा करके और तुरंत वापस लौट गई। गोपियाँ भी सब वापस लौट गई। उसने सोचा रे मेरा ससुरा कहाँ से आ गया, पीछे मुड़ के देखा तो कन्हैया खड़े हैं। बोले तुझे मजा मिला, अभी तो मैंने तेरे पति को पीछे लगाया था, अब मुझे ज्यादा तंग करेगी ना तो तेरे ससुर को भी तेरे पीछे लगा दूंगा। बेचारी हाथ जोड़ करके अंदर चली गई। नित्य नई नई लीलाएं ठाकुर करते हैं। यशोदा मैया सोती हैं, मन में सोचे माँ तू बनी जी कैसे छोरी, मन में सोचे माँ तू बनी कैसे घर घर जाई करे माखन की चोरी, कैसे घर घर जाई करे माखन की चोरी। मैया सोचती है कि कैसे चोरी करता है, आज तक तो मैंने देखा नहीं। और एक दिन गणेश चतुर्थी है, मैया ने गणेश जी की पूजा के लिए बड़े पकवान बनाए, ठाकुर को खुशबू लगी। आगे बोले मैया आज बड़े दिव्य पकवान बना रही है, थोड़ा खाने को दे। मैया ने कहा आज गणेश चतुर्थी है कर्मा, हम 56 प्रकार का पदार्थ गणेश को भोग लगाएंगे और फिर तुझे खाने के लिए प्रसाद देंगे। ठाकुर ने सोचा जब अपने ही घर में पदार्थ बन रहे हैं तो दूसरे के घर में चोरी करने के लिए जाना अच्छा नहीं है। ग्वाल वालों से कहा आज चोरी करने नहीं जाऊंगा, आज मेरे घर में बड़ा माल बन रहा है। भैया ने 56 प्रकार के पदार्थ बनाए, थाल में रखा, ठाकुर के सर पे रखा। बोले ले चल गणेश के मंदिर में। गणेश जी के मंदिर में ले आए, मैया ने कहा थाल नीचे रखवाया। बोले बेटा अब तू आंख बंद करके बैठ जा और गणेश देवता प्रथम पूजनीय देवता हैं, आंख बंद करके प्रार्थना कर, हे गणेश बाबा मुझे विद्या दो मुझे बुद्धि दो। और जब तक तू प्रार्थना करेगा इतनी देर में मैं पूजा के लिए जमुना जी से जल लेके आती हूँ। मैया जल लेने चली गई और ठाकुर हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, हे गणेश बाबा मुझे विद्या दो मुझे बुद्धि दो।
गणेश बाबा भी आज बड़े प्रसन्न है कि आज दुनिया का मालिक मेरे सामने हाथ जोड़ करके बैठा हुआ है। और इतने में ग्वाल बाल आ गए, ग्वाल बालों ने कहा, करो विवाह, तू बगुला भक्ति कर रहा है, हाथ जोड़ के बैठा है, हमें भूख लगी, कुछ खिला? बोले नहीं नहीं, मैया जल लाएगी, गणेश जी को स्नान कराएगी, भोग लगाएगी, तब प्रसाद मिलेगा। ग्वाल बालों ने कहा, तेरी मैया का इंतजार कौन करेगा? और थाल से कपड़ा हटाया, सब बैठ गए, पूरा थाल खाली कर लिया, कन्हैया भी लग गए, पूरा थाल खाली हो गया। ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया अब मैं जा रहा हूँ। बोले मैया आएगी, दंड मुझे मिलेगा। बोले तू जाने, तेरी मैया जाने, हम तो चले। ठाकुर ने क्या किया, थाल में कंकड़ पत्थर भर करके ढक दिया थाल को कपड़े से, आँख बंद करके बैठ गए। हे गणेश बाबा, मुझे विद्या दो, बुद्धि दो। इतने में मैया आ गई, मैया ने सर पे हाथ फेरा, अरे करुणा तू कितना अच्छा है, जब से मैं गई हूँ बेटा तू प्रार्थना कर रहा, थक गया होगा, अब तू पूजा दे, हाथ जोड़ के बैठ जा। मैया ने गणेश जी का पूजन किया, बोला करुणा भोग का थाल लाओ। थाल ला जाके ले जाके नजदीक रख दिया। मैया ने जब कपड़ा हटाया, कंकड़ पत्थर पूरा थाल पकवान से गायब। बोले अरे करुणा, ये भोज्य पदार्थ किसने खाए, प्रसाद किसने खाया? बोले भैया मैं क्या जाऊँ, तूने तो कहा था ना कि आंख बंद करके प्रार्थना करना, हे गणेश बाबा मुझे विद्या दो, बुद्धि दो। भैया तू बता, जिसकी आंख बंद है उसको पता चलेगा क्या कि पकवान कहाँ गए, कौन खाया, क्या हुआ, कुछ पता नहीं। भैया ने तुरंत छड़ी उठाई, कन्हैया तू नहीं मोह डरा, तुझे डर नहीं लगता, ये सब तेरी शरारत है। ठाकुर बोले भैया मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं खाया, ये गणेश जी ने खाया होगा। भैया मेरा पेट देख, यदि पूरे थाल का पकवान मेरे पेट में गया होता तो मेरा पेट इतना बाहर निकल आता, तू मेरा पेट देख और गणेश जी का पेट देख। लंबोदरस चविकटस चविनायकस, पेट बाहर निकला हुआ है, पूरे थाल का माल इनके अंदर गया हुआ है। भैया तू समझती नहीं, भैया ने जब छड़ी उठाई तो गणेश भगवान प्रकट हो गए। बोल गणेश भगवान, अपने सूंड से भैया का हाथ पकड़ा। गणेश जी ने सोचा मेरे सामने ठाकुर को दंड मिले, अच्छा नहीं लगेगा, भैया का हाथ पकड़ा और बोले भैया कन्हैया ने नहीं खाया है, ये मैंने ही खाया है। ठाकुर ने कहा, देख भैया मैंने तो पहले ही कहा था ना, सच सामने आ गया कि नहीं। मैया लेकर के आई है, लेकिन रोज चिंतित रहती है, आज ठाकुर को गोदी में बैठाया है, बड़ा प्यार कर रही है। आज ठाकुर ने प्रश्न किया, मैया एक बात बता, तुझे दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है? मैया ने कहा, लल्ला क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ दूध और कहाँ पूत, लल्ला सबसे ज्यादा प्यार मुझे तुझसे है, दूध से नहीं। ठाकुर बड़े प्रसन्न होके मैया की गोद में लेट के दूध पी रहे, और इतने में मैया की दृष्टि गई, चूल्हे के ऊपर दूध रखा हुआ है और दूध पे उफान आया तो दूध नीचे गिरने लग गया। मैया ने तुरंत ठाकुर को गोदी से नीचे रखा, दूध उतारन आगिते लैया पहिया गई भज, बाकी जाकर के दूध के मटके को उतारा है। ठाकुर ने कहा, देखो मैया अभी तो कह रही थी कि मुझे पूत प्रिय है, दूध नहीं, और पूत को छोड़ करके दूध के पास भाग गई। और ठाकुर को क्रोध आया, नहीं अघाए श्याम रोज मैया पे आयो, नहीं अघाए श्याम रोज मैया पे आयो, तो हाथ गई धर समझ के साथी उठायो, तो हाथ गई धर समझ के उठायो। पेट नहीं भरा, भूखे थे, मैया के ऊपर क्रोध आया, तो सामने पत्थर का बाट रखा हुआ था, पत्थर का बाट उठाया और जितनी माखन और दही की मटकियां रखी थी सब पे तड़ातड़ प्रहार करके तोड़ दिया, पूरे घर में माखन दही बिखर गया। जब यशोदा मैया आई, देख के हैरान हो गई, कहती सच गोपियां कहती हैं, कहती थी तू सबको तंग करता होगा, आज तुझे बिना दंड दिए छोड़ूंगी नहीं। मैया ने छड़ी उठाई है, ठाकुर आगे आगे और यशोदा मैया पीछे। जब थक गई तो कहती लल्ला मेरे पास आ जा। बोले मैया तेरे पास आऊंगा तो क्या करेगी? मैया ने कहा तेरी पूजा करूंगी। बोले मैया समझ गया तू मेरी पूजा कैसे करेगी, छड़ी फेंक दे तो आऊंगी, आऊंगा। लेकिन मैया छड़ी नहीं फेंकती,
भागते भागते जब थक गई, हार गई, बैठ गई, तब ठाकुर अपने आप पकड़ में आ गए। जब व्यक्ति समर्पण कर देता है, जब तक अपना भरोसा रहता कि मैं पकड़ूंगा तब तक पकड़ में आता नहीं, और जब उसके ऊपर छोड़ देता है तो ठाकुर अपने आप पकड़ में आ जाते हैं। बोलो जय जय। जब मैं समाप्त हो जाता है, यशोदा मैया का मैं समाप्त हुआ, मैं इसे पकड़ नहीं सकती। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यान तप योग के द्वारा पकड़ नहीं सकते, और मैया तो छड़ी लेकर के पकड़ना चाहती है। मैया ने समर्पण किया, ठाकुर ने सोचा मैया थक गई है, आकर के पकड़ में आ गए। मैया दंड देगी कि छड़ी से दंड देगी? मैया ने सोचा अब बड़ा हो गया है, कहीं छड़ी से मारूं तो घर छोड़ के भाग जाए तो, चलो छड़ी से दंड नहीं दूंगी। छड़ी फेंक दी, मैया रस्सी लाई, बोले आज इस रस्सी से तुझे बांधूंगी। और बांधूंगी कहाँ? उखल में, क्योंकि तेरा साथ उखल भी देता है। तू उखल पे खड़ा होकर के बंदरों को माखन खिलाता है, तेरी शरारत में उखल का भी हिस्सा है। आज तेरे को दंड दूंगी, उखल से बांधूंगी। रस्सी ला करके उखल से बांधने के लिए मैया जब ठाकुर के कवर में रस्सी बांधती है, इसको कहते उदर, उदर में रस्सी बांधती है, रस्सी दो अंगुल छोटी हो गई। जीव और परमात्मा में केवल दो अंगुल की दूरी है। फिर रस्सी लाई, फिर छोटी हो गई। पुनि बांधी पुनि कम भरी, घर की सब रस्सी गई, हंसी माँ को विस्मित भई। सारे घर की रस्सी समाप्त हो गई, लेकिन ठाकुर नहीं बधे। दो दो अंगुल कम होती जा रही थी। तो ये है दामोदर, दाम माने रस्सी और उदर, दामोदर, दामोदर लीला, रस्सी से बांधने की लीला। तो ब्रज के संत कहते हैं घर की रस्सियों से ठाकुर नहीं बने, फिर ठाकुर से को बांधने के लिए बरसाने से रस्सी बनाई। बरसाना यानी राधा जी, राधा जी का महल, और राधा जी का मतलब है प्रेम। जब तक प्रेम की रस्सी न हो तब तक ठाकुर बंधते नहीं है। जब बरसाने की रस्सी आई तो ठाकुर बंध गए। मैया ने उखल से बांध दिया, और उखल से बांध के मैया काम में मस्त हो गई। ठाकुर रस्सी और उखल समेत घसीटते आगे गए हैं। द्वार पे दो यमला अर्जुन के पेड़ थे, उनके बीच में से उखल को जैसे झटका दिया दोनों पेड़ गिर गए, और उसमें से दो दिव्य पुरुष पैदा हुए। वो कुबेर के पुत्र थे, नल और देवी। नारद के श्राप से वृक्ष बन गए थे, और आज भगवान कृष्ण ने कृपा करके उनका उद्धार कर दिया। तो यमराजुन ने भगवान की स्तुति की है। ग्वाल बाल इकट्ठे हो गए, ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, सब आपस में प्रश्न कर रहे हैं। किरे दूध के दांत नहीं, जी छोटे सो छो करा, तरु खारी कैसे सके, कहे युवक रुडो करा। ये छोटा सा बालक जिसके दूध के दांत भी अभी नहीं गिरे हैं, इसने इतने बड़े वृक्षों को कैसे उखाड़ दिया? ब्रज में कोई न कोई अनहोनी हो रही है, लोग तर्क वितर्क कर रहे हैं। और इधर नारद जी आए हैं, नारद जी एकांत में भगवान से मिले हैं, और भगवान से कहते हैं ठाकुर आप तो लीला करने आए, और लीला में माधुर्य होता है। माधुर्य, लीला का मतलब कि ठाकुर के माधुर्य को देखना। माधुर्य और ईश्वर में बड़ा अंतर होता है। ठाकुर अपने भक्तों को ईश्वर्य नहीं दिखाते, ठाकुर अपने भक्तों को माधुर्य दिखाते हैं। जहाँ माधुर्य हो वहाँ ठाकुर का बात होता है। ईश्वर्य और माधुर्य का कंपटीशन आप वृंदावन में करो। वृंदावन जाओ तो वृंदावन में देखो एक बहुत सुंदर मंदिर बना, अभी उसको बनाया कृपालु जी ने। उस मंदिर का नाम क्या जानते हो? प्रेम मंदिर। बहुत अच्छा बना है, बड़े पैसे लगे हैं, सोने का कलश है, बड़ी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ हैं, झांकियाँ हैं, लाइटें हैं। जब लोग मंदिर में घुसते हैं तो कहते हैं बहुत सुंदर लाइट है, बड़ा सुंदर बना हुआ है, मूर्ति बहुत अच्छी है, झांकियाँ बहुत अच्छी हैं। ये क्या है? ईश्वर। अब जब बिहारी जी के मंदिर में आ जाओ तो बिहारी जी के मंदिर में क्या? माधुर्य। वहाँ ना आपको लाइट दिखाई पड़ेगी,
न झांकी दिखाई पड़ेगी, वहाँ क्या दिखाई पड़ेगी, केवल बिहारी। सबकी दृष्टि बिहारी जी की तरफ रहती है, मंदिर कैसा बना है, पुराना हो गया है, किसी को कुछ लेना देना नहीं, वहाँ ऐश्वर्य है और यहाँ माधुर्य है। तो ठाकुर अपने भक्तों को ऐश्वर्य नहीं दिखाते, अपने भक्तों को माधुर्य का दर्शन कराते हैं। नारद जी कहते हैं, ठाकुर आप तो मैया को ही ऐश्वर्य दिखाने लगे, आप तो माधुर्य के लिए आए हो, लीला करने आए हो। ठाकुर ने कहा, बाबा मैंने मैया को कौन सा ऐश्वर्य दिखा दिया? बोले चमत्कार दिखाया कि नहीं? बोले कब दिखाया? बोले मैया तुम्हें रस्सी से बांध रही थी और मैं ऊपर से देख रहा था, दो दो उंगुल रस्सी छोटी होती चली जा रही थी, अब तुम बंध नहीं रहे थे, ये चमत्कार नहीं है, ये ऐश्वर्य नहीं है? भगवान ने कहा, बाबा तुम्हारे दृष्टि में दोष है, यदि मेरे कारण रस्सी छोटी होती तो तूने मुझे देखा था, मैंने अपने शरीर को बढ़ाया था, मैं जैसे हूँ दुबला पतला ऐसे ही था ना? नारद जी ने कहा, ठाकुर आप थे तो ऐसे ही। बोले जब मेरा शरीर बढ़ा नहीं घटा नहीं और रस्सी छोटी होती जा रही है तो मेरा चमत्कार है क्या? नारद ने कहा, ठाकुर तो एक बात बता दो, फिर ये चमत्कार किसका था? मैंने देख लिया आपने शरीर को घटाया बढ़ाया नहीं, लेकिन रस्सी कैसे छोटी हुई? ठाकुर ने बड़े प्रेम से कहा, बाबा ये मेरा चमत्कार नहीं था, ये मेरी मैया का चमत्कार था। बोले मैया का चमत्कार? हाँ। अरे बोले बाबा क्या बात करते हो, जिस मैया के हाथों में आकर के अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अनंता अनंत अखिलेश्वर जगदीश्वर जगत नियंता जगता धार मैं छोटा हो गया, तो उसके हाथ में आते रस्सी छोटी हो गई, कौन सी बड़ी बात, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो उस हाथ का चमत्कार है, मेरा कोई चमत्कार है? फिर ब्रजवासी इकट्ठे होते हैं, ब्रज में नृत्य, गोकुल में उत्पात होता है, सबने विचार किया अब गोकुल का परित्याग कर देना चाहिए। गोकुल का परित्याग करके सब वृंदावन में आए हैं। बोल श्री धाम वृंदावन की जय। वृंदावन सोपन नहीं और नंदगां, यह कृष्ण नाम सोहरा। कौन कौन चलना चाहते हैं वृंदावन? अभी भी कुछ लोग सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हमारा घर बिगड़ जाए। घर नहीं बिगड़ेगा किसी का, अरे भाव से चलिए, तन को यहीं छोड़ दीजिए हिमाचल में, लेकिन मन वृंदावन ले चलिए। और कैसे चलेंगे? सखी वृंदावन जाऊंगी, अरे
जीवन में निजीवन देखा आप लोगों ने, मैं तो वहीं रह जाऊंगी तकी मेरे करके भगवान समस्त गोकुल वासियों को लेकर के श्री राम वृंदावन में आए हैं। थोड़ा थोड़ा और आगे देने जगह पीछे बैठने की का थोड़ा और आगे देने धीरे धीरे बोलो जय जय श्री जय जय श्री समस्त गोकुल वासी वृंदावन में आए। दिव्य वृंदावन पूरी धारा से अलग है। वृंदावन ठाकुर का गोलोक है। वृंदावन गोलोक से जब ठाकुर आए तो आने से पहले वृंदावन को बताया था ठाकुर ने कि जैसे मेरा गोलोक है और वैसे ही वृंदावन है। आप वृंदावन का दर्शन कर लिए तो समझ लो ठाकुर के गोलोक का दर्शन कर लिया आपने। दिव्य वातावरण तुलसी के तुलसी गार्डन बगीचे पौधे कुंज की गलिया पवित्र वातावरण रोज ठाकुर की नित्य नई नई लीलाएं और वृंदावन में समस्त ग्वाल बाल गोचारण के लिए जाते हैं गाय चराने। एक दिन ठाकुर ने कहा मैया यशोदा मैं भी आज से गौ चराने जाऊंगा। मैया ने कहा बाबा से पूछ और जब कोई भी ग्वाल ग्वाला बनता है तो ऐसे नहीं बनता, मुहूर्त तो देखा जाता है और सभी ग्वालों को बुलाया जाता है, गायों को सींगों को चांदी से मढ़ा जाता है, सजाया जाता है, गायों की पूजा होती है, सब ग्वालों को भोजन कराया जाता है, तब वो ग्वाल बनता है। बोले बाबा तुम मेरा भी मुहूर्त निकालो, मैं भी ग्वाला बनूंगा, मैं भी गाय चराने जाऊंगा। बाबा ने गर्ग पुरोहित से मुहूर्त निकलवाया। वो कौन सा मुहूर्त था जानते हो? गोप अष्टमी। गोप अष्टमी को भगवान ग्वाले बने थे, गाय चराने गए थे, इसलिए दिवाली के बाद जब गोप अष्टमी आती है तो हम सब गोप अष्टमी को गायों की पूजा करते हैं। गायों की पूजा हुई, ग्वाल बालों को सजाया गया, सबको लकड़ी कमरिया दी गई, सबको भोजन कराया गया और जैसे ठाकुर ग्वाले बने या लकुकी या रुका मरिया परसखान ने कहा है ना राज तिहू पुरखो तजिदारो। जैसे ठाकुर ने लकुटी और कामरिया धारण किया इतने सुंदर लगे कि समस्त ब्रजवासियों का प्रेम एक जय इकट्ठा हो गया, ठाकुर के पास चला गया। लेकिन ठाकुर उस प्रेम को संभाल नहीं पाए। दूध का कटोरा दूध से भर जाए, आप उसको हाथ पे लेके चलो तो रास्ते में छलक के गिरेगा। समस्त ब्रजवासियों ने आज अपना प्रेम ठाकुर के ऊपर उड़ेल दिया। प्रेम ने देखा कन्हैया हमें संभाल नहीं पाएगा, तो प्रेम आगे आगे ठाकुर पीछे पीछे। जिसका प्रेम जहां जाता है वहीं जाता है, तो ठाकुर का प्रेम कहां जा रहा है? आगे आगे। और ठाकुर प्रेम के पीछे पीछे, प्रेम के बिना कोई रह नहीं सकता। अब भागते भागते प्रेम कहां पहुंचा है? जमुना के तट। प्रेम ने सोचा प्रेम को तैरना नहीं आता, लेकिन ठाकुर को तैरना आता। प्रेम ने सोचा मैं जमुना में कूदूंगा तो मुझे पकड़ लेगा, इसके पास रखने की जगह तो है नहीं। अब तो प्रेम इसका बट जाना चाहिए,
जमुना के किनारे खड़े होके प्रेम सोच रहा है, इतने ही प्रेम ने, इतने में प्रेम ने देखा, गोरी भोरी सुंदरी रामा सुषमा श्याम की, सती शिरोमणि स्वामिनी श्री वृंदावन धाम की। राधा रानी बोल जय जय श्री। राधा रानी जमुना में जल लेने आई है, सोने की मटकी, और जैसे ही मटकी में जल भरा सर पे रखा तो ठाकुर का प्रेम राधा रानी के पास चला गया, और राधा रानी ने ठाकुर के प्रेम को अपने पास रख लिया। आज ठाकुर का प्रेम विभाजित हो गया, बट गया, थोड़ा उनके पास है, थोड़ा राधा जी के पास चला गया। ठाकुर ने देखा मेरे प्रेम को इस कन्या ने रख लिया, आज तक राधा जी से परिचय नहीं हुआ, पहली बार परिचय हुआ है। अब कोई लड़का होता तो लड़ते झगड़ते मेरा प्रेम वापस दो, अनजान लड़की से बात कैसे करें, फिर भी डरते डरते पहुंचे और जाके पूछते हैं देवी राम राम। राधा जी ने कहा राम राम। बोले आपका क्या नाम है? बोले मैं विश्वभान सुता हूँ, मेरा नाम राधा है, जल लेने के लिए आई हूँ। तुम्हारा क्या नाम है? बोले मेरा नाम कृष्ण है, मैं नंद बाबा का छोरा हूँ। कृष्ण नाम सुनते ही राधा जी ने कहा कृष्ण चोर, बेचारे शर्मा गए। पहली बार एक लड़की से बात कर रहे हैं और वो क्या कर रही, चोर, शर्मा के गर्दन झुका लिया। बोले देवी जी आपने मुझे चोर कहा, अच्छा नहीं लगा, मैं किसी का कपड़ा नहीं चुराता, सोना नहीं चुराता, वस्त्र नहीं चुराता, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम प्रजान घना नाम जदकूल चौरम। अरे मैं तो केवल माखन चुराता हूँ, मनुष्य के अनेक जन्मों के अर्जित किए हुए पापों को भी चुरा लेता हूँ, इसलिए ब्रज के लोग मुझे चोर नहीं कहते, मैं स्पेशल चोर हूँ। चोर से पहले लगता है माखन, फिर लगता है चोर, इसलिए देवी मुझे बुरा लगा क्योंकि आपने मुझे खाली चोर कहा, यदि माखन चोर कह देती तो शायद मुझे बुरा न लगता। राधा जी ने भी सोचा कि एक अनजान व्यक्ति को मैंने चोर क्यों कह दिया। बोले अच्छा जी मुझे माफ करो, मैं चली, मटका रखा चल पड़ी। ठाकुर ने कहा देवी एक मेरी वस्तु खो गई है, यदि आपको मिली तो वापस दे दो। राधा जी ने कहा पाई चीज अपनाई, चका देव छुड़वाई, अंगूठा दिखाया चल पड़ी। अब जिसका प्रेम जहाँ जाएगा वहीं वहीं जाएगा ना। राधा जी बरसाने की तरफ चली और ठाकुर जी राधा के पीछे पीछे बरसाने में पहुंच गए। राधा जी महल में चली गई, अब दूसरे के महल में कैसे प्रवेश करें, महल का चक्कर काटते रहे। सुबह से शाम हो गई, घर वापस लौट आए, भैया ने कहा कन्हैया माखन खाओ, मिश्री खाओ। बोले भैया आज मुझे भूख नहीं है, जिसका प्रेम चला जाता है उसकी भूख प्यास सब समाप्त हो जाती। बोले भैया मुझे भूख नहीं है, दूसरे दिन भी नहीं खाया, तीसरे दिन भी नहीं खाया। भैया ने कहा कर्मा बीमार हो गया है, बड़े बड़े डॉक्टर वैद आए, डॉक्टर वैदों ने कहा भैया कन्हैया को मानसिक बीमारी है, हर बीमारी का इलाज हो सकता है लेकिन मानसिक बीमारी का इलाज नहीं होता। सब चले गए, 15 दिन हो गया, ठाकुर ने कुछ खाया पिया नहीं है, दुबले पतले हो गए। और एक दिन राधा अष्टमी, राधा अष्टमी के दिन ठाकुर अपने बिस्तर से उठे और पड़ोस में उनकी भाभी रहती थी जिसका नाम था श्यामा, उसके घर चले गए। दरवाजा खुला था, अंदर पहुंच गए तो दर्पण के सामने, शीशे के सामने खड़ी होकर के श्रृंगार कर रही, और जैसे कन्हैया को देखा, अरे कन्हैया किसी के घर में जाते हैं दस्तक देते हैं आवाज लगाते हैं, तुम तो बिना आवाज लगाए अंदर चले आए। बोले भाभी मैं तो तेरा बालक हूँ, बालक के लिए तो सब छूट है। भाभी ने कहा अच्छा आ गया तो बैठ जा, लेकिन एक बात बता तुझे क्या हो गया है, खाना पीना छोड़ दिया, दुबला पतला होता जा रहा है, कौन सी बीमारी है तुझे? बोले भाभी इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले तू बता तू कहाँ जा रही है, श्रृंगार कर रही है, लहंगा चुन्नी सब काजल ओजल लगा के तैयार है, कहीं जाना है क्या तुझे? भाभी ने कहा हाँ आज राधा अष्टमी है, मैं बरसाने जाऊंगी, आज राधा रानी सबको दर्शन देगी और सब राधा रानी के सामने गाएगी नाचेगी, जो सबसे अच्छा गाएगी नाचेगी गोपी राधा रानी उसको इनाम देगी अपने हाथों से, आज खुला दर्शन होगा। पैरों में पड़ गए। बोले भाभी
बस यही बीमारी मुझे भी है, एक बार राधा का दर्शन करा दे। बोले लेकिन आज बरसाने में राधा रानी के महल में किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है, सब गोपियां ही जाएगी। बोले तेरे पांव पकड़ू, कैसे भी ले चल, मुझे ले चल। बोले ठीक है ले चलोगी, लेकिन तुझे लुगाई बनना पड़ेगा, छोरा से छोरी बनना पड़ेगा। बोले बना दे। बोले तैयार है। बोले हाँ। भाभी ने लहंगा निकाला, चोली निकाली, चुन्नी निकाली, काजल बिंदिया लगाया, तैयार किया, श्रृंगार किया, सजा दिया। बोले अब शीशे में देख, तू छोरा लग रहा है कि छोरी लग रहा है? अरे बोले भाभी अब कोई पहचान नहीं सकता, मैं तो बिल्कुल छोरी लग रहा हूँ। भाभी ने कहा काला कलूटा बैगन लूटा। आदमी की चाल अलग होती है और औरत की चाल अलग होती है। जब औरत चलती है तो उसका बायां पैर पहले उठता है, और जब पुरुष चलता है उसका दाहिना पैर पहले उठता है। तो लेफ्ट राइट अच्छी तरह समझ, पहले लेफ्ट और फिर राइट। और आदमी तेजी से गति से चलता है, औरत धीरे धीरे चलती है। ठाकुर को चलने की ट्रेनिंग दी, जब चलने में ट्रेंड हो गए तब बरसाने लेके आ गई। बरसाने में दादाजी के महल में सब गोपियां बैठी हैं, ठाकुर जी भी अपने भाभी जी के साथ उन गोपियों के बीच में जाके बैठ गए। राधा रानी आई सिंहासन पर बैठी और सबसे पहले दृष्टि उनकी उन्हीं के ऊपर गई। बोली यहाँ सब गोपियां ही गोपियां हैं, ये जो पर्दा किया जाता है, मुंह ढका जाता है, ये पुरुषों से ढका जाता है। जब यहाँ कोई पुरुष नहीं है तो इस गोपी ने मुंह क्यों ढक रखा है? भाभी ने इशारा कि अब क्या होगा। ठाकुर ने कहा करी बड़ी शर्मीली है, सास से भी शर्मावय है, ननद से भी शर्मावय है, ये तो घर में भी घूंघट ढाक के रखती है। भाभी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की ये नई बहू है, बड़ी शर्मीली है, सास ननद देवर सबसे शर्माती है, घर में 24 घंटे घूंघट काट के रखती है। राधा रानी ने कहा ठीक है घूंघट काटने दो, लेकिन नई बहू है तो गाना तो जरूर जानती हो, नाचना तो जरूर जानती होगी। जब ब्रज के लोग लड़की देखने जाते हैं तो पहले पढ़ाई लिखाई नहीं पूछते, पहले पूछते हैं इसको गाना आता है कि नहीं, इसको नाचना आता है कि नहीं। यदि लड़की को गाना नाचना आता तो लड़की पास है, और गाना नाचना नहीं आता तो लड़की फेल है। बोले ब्रज की बहू है, गाना नाचना तो आता होगा। भाभी ने हाथ उठा दिया, हाँ आता है, बहुत सुंदर गाती है। ठाकुर कहते हैं अरे क्या करती, कैसे गाऊंगा? भाभी ने कहा कोई बात नहीं, घूंघट के अंदर से ही ला दे। तो ठाकुर तो 16 कला प्रवीण है, 16 कला प्रवीण, घूंघट के अंदर से गाए। भाभी ने कहा बहुत गाएगी लेकिन घूंघट के अंदर से गाएगी। राधा रानी ने कहा मंजूर है, लेकिन ठाकुर वही गीत गाते हैं। गीता में भगवान ने कहा है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सतैव भजाम्यहम्, जो मुझको जिस भाव से भरता है मैं भी उसको उसी भाव से भरता हूँ। तो राधा जी जो चाहती है ठाकुर वही गीत गाते हैं। राधा क्या चाहती है? जब से ठाकुर मिले हैं तब से राधा जी के मन में भी ये है कि मुझे नंदलाल कब मिलेंगे। तो ठाकुर ने यही गीत गाया, नंद नंदन कब मिले हैं, ऐसे स्वर ऐसे भाव से गाया कि राधा की तो समाधि लग गई। जब ठाकुर ने भजन बंद किया तो राधा जी की आंखों से अश्रु निकल गए। राधा जी ने कहा अरे बहू ये बता ये भजन ये गीत तुझे किसने सिखाया था? ठाकुर ने घूंघट के अंदर से कहा जब मैं ससुराल आई तो मेरी सास गाती थी और मैंने अपने सास से सीखा है। राधा रानी ने कहा बहू तूने बहुत सुंदर भजन बोला है, सबसे सुंदर बोला है, सबसे अच्छा बोला है, इसलिए आज का प्राइज आज का इनाम फर्स्ट प्राइज मैं तुझे दूंगी। सब ने ताली बजा दी। फिर राधा जी ने कहा इनाम में दूंगी क्या, लहंगा दूंगी, चोली दूंगी, चुन्नी दूंगी, बिरिया दूंगी, काजल दूंगी, और दूंगी नहीं अपने हाथ से पहनाऊंगी। वो तो जय जय। भाभी ने कहा क्या होगा, ठाकुर ने कहा तो घर जाके पहन लेगी। बहुत कहा भाभी ने, राधा रानी नहीं मानी। दो चार तगड़ी तगड़ी डिगरी गोपियां लगी, हल्के फुलके ठाकुर को अंदर उठा लेगी। अंदर ले जाकर के जब कमरे में रखा
काला रानी अंदर आई, दरवाजा बंद किया और जैसे ही घूम कर दिखाया, राधा रानी ने कहा तुम? बोले हाँ। हाथ जोड़ दिया, बोले कान पकड़ो, बहुत बड़ी गलती की है, लुगाइयों के बीच में वेश बदल करके आ गए, कान पकड़ो, उठो बैठो, कहो आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगा। बोले कान पकड़ूंगा, उठूंगा, बैठूंगा, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा, अब तो मैं ऐसी गलती रोज करूंगा, क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारे पास है। कभी मनिहारी बन करके, चूड़ी बेचने वाला बन करके, अब तो कोई न कोई रूप धर के तुम्हारे पास आना पड़ेगा। राधा रानी ने कहा ठीक है, पिछले दरवाजे से निकल जाओ। निकल गए और तुरंत वृंदावन में पहुंचे। जब वृंदावन में पहुंचे तो सबसे पहले यशोदा मैया के पास पहुंचते ही प्रस्ताव रखा, मैया मैं विवाह करूंगा। अरे लल्ला, विवाह करेगा? कोई लड़की देखी क्या? बोले हाँ भैया। बोले कौन? राधिका गोरी से। अरे इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात थोड़े नहीं हुई है, तब एक महीना पीछे हो जाएगी। कौन कौन के छोरा अपना ब्याह करवाना चाहे अपने छोरान को, अपने अपने लड़कों की कौन कौन शादी करवाना चाहती है? सब चाहती हैं तो उठाई दो ना हाथों को। अरे छोरा सबके है कि ना है? ना हो तो बता दो, आपको दवाई है। हाँ ऐसे संकोच कर रही, छोरा तो सबके होंगे, तो जिनके छोरा है वो पर हाथ उठा लो सबके ना। तो अब जिन्हें अपने अपने छोरन को ब्याह करवाना है, और ऐसी बहुदानी जैसी गुरुजी ने बताई कि घूंघट का
सामने नए खोले, लेकिन आजकल बड़ा असंभव है कि छोरा रनुआ रह जाए पर बहू आ गई जींस वाली। अगर तुमने अगर जो कह दी कि घूंघट करना पड़ेगा तो राधे राधे बोलो, राधे राधे। आइए तो क्या कहेंगे, सबके सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, मैया वो घूंघट ना खोलेगी। वृंदावन के यमुना के पावन तट से गो चारण के लिए जाने लगे। कैया मैया को चराते हैं, ग्वाल वालों के साथ क्रीड़ा करते हैं। क्रीड़ा में ही भगवान ने बहुत सारे असुरों का संहार किया। एक दिन भगवान ने कहा ग्वाल वालों से, कल हम वन में प्रीति भोज करेंगे। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया प्रीति भोज क्या होता है? बोले सब भोजन का वक्त होगा तो हम सब बैठ करके एक साथ और भोजन करेंगे, इसको प्रीति भोज कहते हैं। सब ग्वाल वालों ने तैयारी की, कोई अपने घर से पराठा लाया, कोई आलू का पराठा, कोई गोभी का पराठा, कोई मूली का पराठा, कोई मालपुआ ले आया, कोई खीर ले आया, कोई अचार लाया, कोई कढ़ी लाया, कोई चावल लाया। हर ग्वाल बाल कुछ न कुछ लेकर के आए। जब भोजन का वक्त हुआ, उस वक्त भगवान ने अघासुर का संहार किया था और समस्त ग्वाल बालों के साथ आकर के वन में जमुना के तट पे गोलाकार मंडल बना के बैठे। भगवान ने ग्वाल बालों को आदेश दिया, बैठो गोलाकार सब प्रीति भोज वन में करें। सब गोलाकार बैठ जाओ, वन में प्रीति भोज करेंगे। सब ग्वाल बाल बैठ गए और ठाकुर दोनों मुलियों के बीच में, किसी में नींबू का अचार, किसी में आम का अचार, कीवी मद मिर्च का अचार, हाथ में सुंदर सुंदर पराठे और चटकारे ले के खा रहे हैं। सब ग्वाल बालों को खिला भी रहे, खा भी रहे हैं। किसी के हाथ से छीनते खा जाते, किसी को अपने हाथ से खिला देते। बड़ा पावन दृश्य, देवता आकाश में धुंधई भी बजा रहे हैं क्योंकि भगवान ने अघासुर बकासुर सबका उद्धार कर दिया। पुष्प बरसा रहे हैं और भगवान ग्वाल बालों के साथ ग्वाल बालों का जूठन खा रहे हैं। अरे एक है बद मंगल, वो कुछ नहीं लाया था अपने घर से, वो कढ़ी लाया था। जहाँ उसने देखा इतने सुंदर सुंदर पकवान, खीर मालपुआ पराठे, और वहाँ उसकी कढ़ी जो बेसन और छाछ में खुली हुई पतली सी कढ़ी उसने पीछे छिपा लिया। ठाकुर ने देख लिया, बोले अरे मधुमंगल तुम कुछ नहीं लाया अपने घर से? बोले नहीं ठाकुर, नहीं ठाकुर। ठाकुर ने कहा नहीं, पीछे का हाथ आगे लाओ। उसने देखा ठाकुर पकड़ लेंगे, तुरंत तो कढ़ी उठाई और अपने मुख से लगा करके पी गया, पूरी कढ़ी पी गया। और जैसे ठाकुर ने देखा कढ़ी पी गया है तो कितने भक्त वत्सल हैं, कितने कृपालु हैं कि जा करके उसके मुख को अपनी जीभ लगा के चाटने लगा कढ़ी के। ऊपर से ब्रह्मा जी ने देखा, देवता धुंधली बजा रहे थे, ब्रह्मा जी बाहर निकल करके आए। देवताओं ने भगवान की प्रशंसा की, अघासुर बकासुर को मारने वाले बैठे हैं, प्रीति भोजन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा जो एक कढ़ी के लिए एक ग्वाल का मुँह चाट ले वो ब्रह्म हो सकता है क्या? अरे जिसको भोग लगाने के लिए वेद मंत्र बोले जाते हैं,
हरिओम सावर्तमोविंदम तुम्हें समर्पय मंत्र बोले जाते हैं। और जो बिना किसी शौच बिना किसी पवित्रता के वैसे ही धूल मिट्टी के हाथों से और ग्वाल बालों का जूठन खा रहा है, ये ब्रह्म हो सकता है क्या? ब्रह्मा जी को मोह हो गया और जिसको मोह हो जाता है उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। ब्रह्मा जी ने बछड़ों की चोरी की ले जाके गुफा में छिपाया। ग्वाल बालों ने कहा कन्हा हम भोजन करने में लगे हैं लेकिन हमारे बछड़े तो गायब हो गए। भगवान ने कहा तुम भोजन करो मैं बछड़ों को लाता हूँ। ब्रह्मा जी ने ले जाकर के बछड़ों को ब्रह्मलोक में छिपाया। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी जो जिस विषय का आचार्य होता है मैं उसको उसी विषय में उत्तर देता हूँ। तुम सृष्टि के आचार्य हो तो मैं तुम्हें वैसा ही उत्तर दूंगा। जितने बछड़े ब्रह्मा जी ले गए थे भगवान उतने ही बछड़े बन गए। सृष्टि तो ब्रह्मा जी उत्पन्न के लिए भगवान ने भी करके दिखा दिया कि बछड़े तुम्हारे बनाए लो मैं भी बन जाता हूँ। और जैसे बछड़े थे वैसे हूबहू बन गए। भगवान बछड़े बने एक तरफ और जब इधर आए तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को भी ले जाकर छिपा दिया। अब भगवान उतने ही ग्वाल बाल भी बन गए। वैसे कपड़े वैसे लट्टी वैसे कमोरिया वैसे सिलाई सब कुछ वैसे ही। भगवान ने सबके कामनाओं को पूर्ण किया। ब्रज की माताएं चाहती थी कि कन्हैया कभी मेरी गोद में खेले कन्हैया कभी मेरे हाथों से दूध पान करे। आज ग्वाल बाल बन करके सब माताओं की कामना पूरी कर दी। बछड़े बन करके गौओं की कामना पूरी कर दी। ब्रह्मा जी का एक दिन बीता एक दिन कितना बड़ा होता ब्रह्मा जी का। अब ब्रह्मा जी ने जब नीचे देखा वही ग्वाल बाल वही बछड़े ब्रह्मा जी का मोह नष्ट हुआ। आए हैं भगवान की स्तुति की है प्रार्थना की है। हे सजल मेघ सम हरि नटवर गिरधारी हे सजल मेघ हरि नटवर गिरधारी हे सजल मेघ हरि नटवर गिरधारी हे सजल मेघ हरि नटवर गिरधारी हन श्याम करो अब अभिनय क्षमा मारी घन श्याम करो अब अभिनय क्षमा मारी हे सजल मेघ सम हरि नटवर गिरधारी हे सजल मेघ हरि नटवर गिरधारी घन श्याम करो अभिनय क्षमा मारी। बड़ी लंबी स्तुति है समय अभाव के कारण संक्षेप में ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की है। अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगा है ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा किया है। पुनः ग्वाल बालों के साथ आए हैं और आज भगवान ने और लीला की। कालिया के विष के दुष्प्रभाव से जमुना जी का जल दूषित हो रहा था और भगवान ने खेल खेल में ही काली दम में छलांग लगा करके कालिया के मांग को मर्दन किया और जमुना के जल को प्रदूषण से बचाया। कालिया को बाहर निकाला कालिया के फन पर नृत्य किया। कालिया की पत्नियों ने स्तुति की प्रार्थना की और भगवान नित्य करते हुए बाहर आए। समस्त ग्वाल बाल समस्त वृंदावन वासी ठाकुर को कालिया के ऊपर नृत्य करते हुए देख के आनंद विभोर हो गए। जहाँ हाय हाय मच रही थी वहाँ वाह वाह हो गया। भगवान ने जमुना को प्रदूषण से बचाया है कालिया को दंड दिया है। कालिया ने कहा प्रभु आपकी बनाई सृष्टि में जिसको आपने जो दिया वो उसके पास है। सर्पों को आपने विष दिया है तो मेरे पास विष है मैं कौन सा अत्याचार कर रहा आपका ही तो दिया हुआ है। भगवान ने कहा तुम्हें विष दिया है तो तुम्हें रहने का स्थान भी दिया है। तुम रमण द्वीप में चले जाओ सभी सांपों के रहने का स्थान वही है। कालिया ने कहा वहाँ आपका गुरु समस्त नागों को एक एक दिन भक्षण करता है और उसी के डर के कारण मैं आकर के इस काली दल में छिपा था क्योंकि सौभर ऋषि का श्राप है यहाँ गरुड़ आ नहीं सकता। भगवान ने कहा अब चिंता मत करो
अब गरुण तुम्हारा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे धन पर मेरे चरण का निशान हो गया है और मेरे चरण के निशान को देख करके गरुण तुम्हारा बंधन करेगा। तुम जो है रमण दीप चले जाओ। जब भगवान की कंठी मिल जाती है, एक कुत्ता होता, आवारा कुत्ता देखा ना आपने, जिस गली से जाता है वही उसको डंडा मार देता, मारता है कि नहीं। और जो पालतू कुत्ता होता है उसके गले में पट्टा बंधा होता है, और जब पट्टे वाले कुत्ते को लोग देखते हैं तो कोई मारता नहीं कि किसी का पालतू है। मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर ठोकर खाए, और एक दर के हो जाओ। जब एक दर के हो जाओगे, ठाकुर की कंठी गले में बंध जाएगी, तो कहते भैया फिर तो कोई न डंडा मारेगा और न कोई धुर धुर करेगा। तो ठाकुर की कंठी तो गले में होनी चाहिए। भगवान ने अपने पग का निशान कालिया को दिया और कालिया को अभय करके रमण दीप जाने के लिए आज्ञा दी। कालिया रमण दीप गया। ब्रजवासी आज जमुना के तट पर वास करते हैं। दावा नल अग्नि लगी है, भगवान ने दावा नल का पान किया है, समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की है। शरद ऋतु और वर्षा ऋतु का वर्णन किया है, वेणु गीत का वर्णन किया है। भागवत में वेणु गीत है। गोपियों ने, जब भगवान ने दो बार बंसी बजाई, एक बार तो रास के लिए बंसी बजाई, उसकी कथा कल आप श्रवण करेंगे। कल वही दिव्य कथा है, कल आप महाराज की कथा श्रवण करेंगे। इसके बाद कल रुक्मिणी जी का विवाह होगा, आप बराती भी बन करके आना, घराती भी आना, कुछ लड़की वाले बन जाना, कुछ लड़के वाले बन जाना, और अच्छे अच्छे सुंदर जैसे बारात में जाते हैं ना सज करके, ऐसे आना। कल रुक्मिणी भैया का द्वारका देश के साथ विवाह होगा, बड़ा आनंद आएगा। कल दिव्य कथा श्रवण करेंगे। और एक बार पहले बंसी बजाई भगवान ने, उसका नाम है भेड़ूगी। जब शरद पूर्णिमा को भगवान ने बंसी बजाई थी तो बंसी केवल गोपिकाओं को सुनाई पड़ी, और पहली बार जब भगवान ने बंसी बजाई ते बंसी चर अचर जड़ चैतन्य सबको सुनाई पड़ी। कोई ऐसा नहीं था जिसको ये बंसी की आवाज सुनाई न पड़ी हो। परीक्षित जी से सुखदेव स्वामी कहते हैं, सर्वभूत मनोहरम, सब भूतों के लिए सबके लिए बंसी सुनाई पड़ी, और बंसी की आवाज सुन करके कल कल निनाद करती हुई जमुना की धारा स्थगित हो गई, रुक गई, पत्थर पिघलने लगे। जहां विषयानंद और परमानंद का आनंद समाप्त हो जाए, इसके बाद जो आनंद प्रारंभ होता है वो बंसी के नाद का आनंद है, बंसी के आवाज का आनंद। गोपियां कहती थी, अरे बंसी तेरा कितना सौभाग्य है, करिया भोजन करते समय भी तुझे अपने पास रखता है, सोते समय भी तुझे अपने पास रखता है। बंसी ने कहा, गोपियों मैंने कितना तप किया है, वृक्ष मरी धूप और छांव में खड़ी रही, सब कुछ सहन किया, गर्मी सहन की, धूप सहन किया, और फिर इसके बाद लोगों ने मुझे काटा। मैंने वो नहीं किया, तब किया है, काट के छोटे छोटे टुकड़े में, और तब भी बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर मेरे अंदर चाकू से होल किया, फिर मेरे अंदर सात छिद्र किए और मैंने उसको बर्दाश्त किया। इतनी तपस्या के बाद ठाकुर ने मुझे अपनाया है। और बंसी कहती, गोपियों और तुम भी ऐसे बन जाओ मेरी तरह, देखो मुझे, मैं जैसे बाहर हूँ वैसे ही अंदर हूँ। ठाकुर उसी को प्रेम करते, तुम जैसे बाहर हो वैसे ही अंदर, निर्मल जनमल सो मोहि पावा, वो ही कपट सचित्र नवा। हम बाहर से कुछ हैं और अंदर से कुछ हैं। आज जीवन तीन प्रकार का हो गया है, तीन प्रकार लोग जीते हैं। बलात्मक, एक व्यक्ति तो बल से जीता है, मेरे पास धन है, संपत्ति है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बलात्मक। और एक जीवन व्यक्ति जीता है छलात्मक, छल। आज हर व्यक्ति का जीवन छलात्मक हो गया है, किसको छल लूं, किसको धोखा दे लूं, किसको ठग लूं, छलात्मक जीवन। और एक जीवन है कलात्मक जीवन, कलात्मक जीवन, जीवन में कुछ कला होगा,
जीवन में कुछ अच्छाइयाँ हो, ये तीन प्रकार का जीवन हो गया है, बलात्मक, छलात्मक, कलात्मक। जो ठाकुर के भक्त हैं वो कलात्मक जीवन जीवन जीते हैं। बंसी कहती है, गोपियों मैं जैसे अंदर से हूँ वैसे ही बाहर हूँ, और मैं हमेशा मौन रहती हूँ, जब तक ठाकुर बुलाते नहीं मैं बोलती नहीं। जब ठाकुर बुलाते हैं तभी तो बोलती हूँ। जी आगे लगो इन बात
जैसे भगवान ने खड़े होकर के बंसी बजाई है, गोपिकाओं ने उसका चित्रण किया कि ठाकुर कैसे खड़े हैं, कैसे बंसी बजा रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। वराहीनं नटवरलपो कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासा कनकपविशं वैजयन्तीं जमालं। वराहीनं पेणु में शक्ति है, भगवान की बंसी में शक्ति है, बहुत सुंदर वर्णन किया है। और पेणु बीच के समापन के बाद चीर हरण का पावन प्रसंग सुना है। ब्रज की गोपियां हेमंत प्रथम मासे नंद गोप कुमारिका, कार्तिक के महीने में गोपियों गोपियां ब्रज युवतियां प्रातः काल की मेला में जाकर के जमुना में स्नान करती हैं और कात्यायनी की पूजा करती हैं। कात्यायनी महामारी जिसकी शादी न हो कन्या की वो कात्यायनी की पूजा करे तो उसको मनवांछित वर प्राप्त होता है। गोपियाँ जमुना में स्नान करती हैं, ब्रज युवतियाँ कात्यायनी की पूजा करती हैं और नित्य वर मांगती हैं कि हमें भगवान कृष्ण ही वर के रूप में प्राप्त हों। एक दिन भगवान अकेले ग्वाल बालों आज साथ में नहीं है, जमुना के तट पे पहुँचे हैं और जल में स्नान करती युवतियों के वस्त्रों को उठा करके जाके कदम के पेड़ पे बैठ गए हैं। इसको चीर हरण कहा गया है भागवत में। गोपियां वस्त्र उतार करके जमुना में स्नान कर रही थी, वरुण का अपराध कर रही थी। भगवान ने गोपियों को उपदेश देने के लिए उनके वस्त्रों का हरण किया। ब्रिज में बैठ गए, कदम में बैठ गए, गोपियां बाहर देखती हैं, वस्त्र रही हैं, कोई बंदर तो नहीं ले गया। ऊपर देखती हैं तो गदम के डाल पर उनके वस्त्रों को लेके ठाकुर बैठे हैं। कहते कन्हैया हमारे वस्त्रों को दे दो, हम तुम्हारी दासी हैं। ठाकुर कहते दासी हो? बोले हाँ। फिर हमारी आज्ञा मानोगी? बोले मानेंगी। बोले बाहर आओ, अपने वस्त्र ले जाओ। बोले ठाकुर हम बिना वस्त्र के हैं, बाहर कैसे आ सकती हैं? ठाकुर बोले जैसे गई थी वैसे ही आ जाओ। बोले जब हम गई थी तो आप नहीं थे, अब मैं आ नहीं सकती कि यहाँ पर आप मौजूद हो। ठाकुर ने कहा अरे गोपियों एक बात बताओ, कब और कहाँ मैं नहीं, कोई ऐसी जगह जहाँ मैं नहीं हूँ? यत्र तत्र सर्वत्र मैं हूँ। जब तुम गई थी तब भी मैं था और तुम बाहर निकलोगी तब भी मैं हूँ, ऐसी कोई जगह जहाँ मैं नहीं हूँ? गोपियों ने बहुत प्रार्थना की है, ठाकुर ने उत्तर दिया है गोपियों तूने अपराध किया है, वरुण का अपराध किया है, तुमने व्रत किया है, लेकिन अपराध के कारण तुम्हारा व्रत पूर्ण नहीं होगा। गोपियों ने बहुत प्रार्थना की भी, धमकी भी दी, संक्षेप में वसिता ही श्रवण करें। अंत में गोपियों को बाहर आकर के ठाकुर से वस्त्र लेना पड़ा। जब बाहर आई तब ठाकुर ने कहा गोपियों अब हाथ जोड़ करके वरुण देवता को प्रणाम करो, अपने अपराध का क्षमा मांगो। प्रणाम करने से क्षमा मांगने से अपराध समाप्त हो जाता है। गोपियां प्रणाम करती हैं, क्षमा मांगती हैं वरुण देवता से भी और भगवान कृष्ण से भी। कृष्णम मुंदे जगत गुरु आप ही हमारे अपराधों को क्षमा करना। भगवान सबके वस्त्रों को देते हैं और भगवान ने कहा अब तुम्हारे अपराध क्षम्य हो गए, अब तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण होगी, लेकिन शरद पूर्णिमा की कामना रात्रि को मैं तुम सबकी कामनाओं को पूर्ण करूंगा। तो चीरहरण का तात्पर्य केवल इतना ही है कि जब तक माया का आवरण, जब तक माया का चीर परमात्मा हरण नहीं करता तब तक परमात्मा के दर्शन नहीं होते। तो जो गोपियों के ऊपर चीर माने माया का चीर, माया का आवरण, माया का पर्दा, और जब तक माया का पर्दा नहीं हटता तब तक भगवान के दर्शन नहीं होते। तो उनका जो माया का आवरण था उसको भगवान ने हरण कर लिया, दूर कर लिया और उन गोपियों को परमात्मा का बोध हुआ। यहीं पे चीर हरण जिला को विश्राम दिया है। गोवर्धन
की पूजा ठाकुर ने कैसे की, इसकी कथा दो चार मिनट भी संपन्न करेंगे, समय अधिक हो रहा है। ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं, और उससे पहले आप कुछ कहना चाहेंगे तो पहले जगमोहन जी कुछ कहना चाहेंगे। परमानंद की आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि जो बाहर बोते रखते हैं वो रैक के अंदर रखें, ठीक है ना, और व्यवस्था बना के रखें, या फिर ये इस हॉल के बाहर खोलें कहीं और ना खोलें, ठीक है जी। इसका आप सबने ध्यान रखना है, क्योंकि कई ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, ये भी बड़ा भारी व्यवधान थोड़ा हमें करना पड़ा, किसी से बड़ा मुश्किल से स्थिति को संभाला है, वो लगने जा रहा है, तो आप सबने बड़े प्रेम से बड़े भाव से इसे ग्रहण करना है। और वैसे भी महाराज जी कहते हैं कि भगवान का प्रसाद जो है वो श्रद्धा भाव से ग्रहण करना है, और महाराज जी समझाने के कि विक्स जो है उसे आपने बड़े प्रेम से ग्रहण करना है, जैसे हलवा प्रसाद लेते हैं वैसे बड़े प्रेम से ये अन्नकूट का भोग जो है आपने ग्रहण करना है। और कल की पूजा में जो भी बैठना चाहें वो बोल सक बैठ सकते हैं, और भंडारा बनेगा, ब्रिज बनेगी, शाम के बाद मुझे चावल लगेंगे, है ना, खट्टा और मीठा भात बनेगा, चने की दाल बनेगी, भंडारे में जो भी आप व्यवस्था करने चाहें, गिलास वगैरह की या कुछ भी व्यवस्था, सिलेंडर वगैरह, जो भी आपके मन में भाव आता हो करें। इसके अलावा जो भी इस कार्यक्रम के लिए आप देना चाहते हैं समय से करें, और बड़े प्रेम से बड़े भाव से इस महाभक्ति सम्मेलन का आनंद लें। अब मुझे लगता है कि इस बार व्यवस्था जो है हमें अच्छी करनी, थोड़ी और बड़ा स्थान जो हमें देखना पड़ेगा, वो लक्ष्मी नारायण भगवान जी, तो भगवान करे ये दिन दुगनी चार दुगनी उन्नति हो। और उसमें पर ये है कि आपने मुझे सुझाव देने हैं, मेरा साथ देना है, और उसमें कुछ करना पड़े खर्च वगैरह या कुछ भी, तो आप सबने मेरा सहयोग देना है, क्यों जी, क्योंकि ये कार्यक्रम मेरा नहीं है, आप सबका है। बड़े प्रेम से सबने बोला है क्यों जी, क्यों जी, क्यों जी, वो लक्ष्मी नारायण भगवान जी। तो इसमें आपने अच्छे प्रकार से भाव समर्पित करके और हर कार्य को समझना है, और रविवार को जो है वो 12 बजे पुनावती पड़ेगी, 12 बजे आप सबने पुनावती जानी है, उसके बाद भंडारा होगा, उस भंडारे में भी आपने आना है, और कल महाराज की रुक्मणी विवाह होगा, और कल जो है रुक्मणी विवाह भी होगा, उसमें भी आप अपने भावों को समर्पित करेंगे, एक महाराज जी समझा देंगे कि आपने क्या करना है। तो इस प्रकार से ये जो कार्यक्रम है अपनी आवाज गति से चल रहा है, तो इसमें सारा कार्य जो आपने बड़े मजे से करना है। अब मेरी आपसे प्रार्थना है कि बड़े भाव से कथा को सुने, और एक व्यवस्था जो है आपने कृपा करनी है कि व्यवस्था बनाए रखना है, नहीं तो फिर बिना मतलब के व्यवधान डालने वालों को मौका मिल जाता है। अब हम कुछ नहीं कर सकते, पर जो व्यवधान डालने वाले हैं ना कार्यक्रम में, अब उनकी बुद्धि को हम ठीक नहीं कर सकते। तो आपसे प्रार्थना है कि ऐसे जो नकारात्मक विचार रखने वाले हैं उनसे हम इतना मुश्किल कर सकते। कई बार क्या होता है, तर्क के आधार पर वो ठीक होते हैं पर आस्था के आधार पर वो गलत होते हैं, ऐसे आदमियों से भी जूझना पड़ता है। तो उसके लिए आप अपने आप और अपने आप को संभाल के रखें और व्यवस्थित बना के रखें, ताकि ये कार्यक्रम जो है इसमें कभी किसी प्रकार की रुकावट ना आए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान जी, बड़े प्रेम से अपने कथा को श्रवण करना है और अपने भाव को भगवान के प्रति अर्पित करना है। वो लक्ष्मी नारायण भगवान जी, जय जय। और पूरे वृंदावन में उत्सव का माहौल बना हुआ है, ठाकुर को पता नहीं है, नंद बाबा के पास पहुंचे और बाबा से पूछते हैं, बाबा का उत्सव करो, प्रभु पूछे ब्रजराज से, धूम धाम यति मची रही, होए गो का आज ते। बाबा कोई उत्सव होने जा रहा है, कोई जव ला रहा है, कोई तिल ला रहा है, कोई चावल ला रहा है,
हर व्यक्ति कोई ना कोई सामग्री ला रहा है। आज से वृंदावन में कुछ होने वाला है। नंद बाबा ने कहा, हंसी बोले नंद राय इंद्र की पूजा भैया, हंसी बोले नंद राय इंद्र की पूजा भैया, जो वर्षा में नीर हो कृष्ण खा मैं भैया, जो वर्षा में नीर हो कृष्ण खा मैं भैया, जल ही जीवन कहो इंद्र है जीवन दाता, जल ही जीवन कहे इंद्र है जीवन दाता। नंद बाबा ने बड़े प्रेम से कहा, भैया हम कल इंद्र की पूजा करेंगे। बोले बाबा इंद्र की पूजा करोगे क्यों? बोले क्योंकि इंद्र जल बरसाता है और जल ही जीवन है। जल आता है तो घास होती है, हमारी गैया खाती हैं, फिर गैया हमें दूध देती हैं और उसी से हमारी आजीविका चलती है। तो इंद्र हमारी आजीविका का देने वाला है, जल ही जीवन कहो इंद्र है जीवन दाता। भगवान ने कहा, बाबा इंद्र की पूजा कैसे करोगे? बोले हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे। भगवान ने कहा, बाबा एक बात बताओ, ग्वाल वालों के जीवन दाता कौन है? इंद्र नहीं है। बोले भैया फिर कौन है? बोले दे मूल फल फूल जल गोपीष्ठ गिरिराज है, अपूजो गिरिवर धेनु द्विज पूरन सबई काज है। बोले बाबा गोपीष्ठ इंद्र नहीं है, गिरिराज भगवान है। गैया गिरिराज के ऊपर चढ़ती है, घास गिरिराज महाराज देते हैं, फल गिरिराज महाराज देते हैं और सुंदर जल भी गिरिराज महाराज देते हैं। इसलिए इंद्र की पूजा नहीं, गिरिराज महाराज की पूजा करो। बोले आज तक मैंने नहीं किया, गिरिराज महाराज की पूजा कैसे होती है? बोले बाबा सदियों बीत गई, तुम इंद्र की पूजा कर रहे हो लेकिन इंद्र ने तुम्हें दर्शन नहीं दिया, और मेरे गिरिराज महाराज की पूजा करोगे तो गिरिराज महाराज प्रत्यक्ष प्रकट होके दर्शन देंगे। बोले पूजा कैसे होगी? बोले इंद्र की पूजा तो यज्ञ से होती है, वो तो यज्ञ के धुएं का पान करते हैं, लेकिन मेरे गिरिराज महाराज धुआं पान नहीं करते, वो तो चकाचक माल खाते हैं, घी माल पुआ रबड़ी 56 प्रकार का पदार्थ बनाओ, छकड़े पे रखो और लाद करके गिरिराज महाराज के पास ले चलो, वहाँ पूजा करो, परिक्रमा करो, स्नान कराओ, फिर भोग लगाओ, देखो गिरिराज महाराज प्रत्यक्ष होकर के भोग लगाएंगे। बोले तुम्हारे गिरिराज महाराज क्या क्या खाएंगे, क्या क्या बनवाओ? वो बताया भगवान ने, पूरी छुन छुन छने कचौरी खस्ता बुंद, पूरी छुन छुन छने कचौरी खस्ता बुंद, रबड़ी लच्छे दाल खीर के सरिया सुपकर, रबड़ी लच्छे दाल खीर के सरिया सुपकर, हलवा मोहन थाल जीरा रबड़ी, टिकिया पुआ बड़े तोठ पापड़ अरु पपड़ी, टिकिया पुआ बड़े तोठ बने दाल भात रोटी करी, व्यंजन सब विधिवत बने दाल भात रोटी बनी, साग लाए से विविध विधि उड़द मूंग आलू बने, साग लाए से विविध विधि उड़द मूंग आलू बने। 56 प्रकार के पदार्थों का नाम भगवान ने नंद बाबा को बताया, घर घर में कढ़ाई चढ़ी, पूरी खीर रायता अनेक प्रकार के पकवान बने, चकड़े में लादा और गिरिराज महाराज वृंदावन से गोवर्धन पहुंच गए। बोल गिरिराज महाराज, गिरिराज महाराज का पूजन किया, मानसी गंगा प्रकट हुई, अभिषेक किया, स्नान कराया, 56 का प्रकार का पदार्थ गिरिराज महाराज को समर्पित किया। देखो प्रसाद में बड़ी शक्ति होती है, प्रसाद में स्वाद नहीं देखना चाहिए। यदि व्यक्ति प्रसाद में स्वाद देखता है तो प्रसाद का महत्व तो समाप्त हो जाता है, यदि प्रसाद में कड़वे करेले का रस भी मिलता है तो उसे भी बड़े प्रेम से पा लेना चाहिए। जो गिरिराज महाराज का प्रसाद है, अन्नकूट का प्रसाद, अन्नकूट का मतलब है जो सब कुछ मिश्रित हो, तो जो आप प्रसाद लाए सब मिला दिया गया है,
तो आप उसको बड़े प्रेम से लेना, बड़े श्रद्धा के साथ लेना, थोड़ा लेना लेकिन सब लेना। गिरिराज महाराज की कृपा उनके प्रसाद में होती है। तो अभिषेक हुआ, पूजन हुआ, परिक्रमा हुई, फिर भोग लगा, 56 प्रकार का भोग पदार्थ रखा गया। ग्वाल वालों ने कहा, कर्मा तूने तो कहा था हमारे गिरिराज महाराज प्रत्यक्ष होके भोग लगाएंगे, तब गिरिराज महाराज का दर्शन करना। बोले देखो मनाओ, अभी हमारे देवता गिरिराज महाराज प्रकट हो गए। और जैसे ग्वालों ने प्रार्थना की, आवाज आई, सैलोस्मी सैलोस्मी सैलोस्मी, गिरिराज महाराज प्रकट हो गए। बोल गिरिराज महाराज की जय। 56 प्रकार का पदार्थ रखा है और जैसे भोग लगा, लागे 56 भोग श्याम गो बरधन बन के, लागे 56 भोग श्याम गो बरधन बन के, लागे 56 भोग श्याम गो बरधन बन के, लागे 56 हाथ कोराए पंजर करके। जैसे भोग लगा भगवान स्वयं गोवर्धन बन गए, एक रूप से ग्वाल वालों के साथ हैं और दूसरे रूप से गोवर्धन बन करके भगवान ने स्वयं भोग लगाया। बोल गिरिराज महाराज की जय। गिरिराज महाराज और कोई नहीं है, साक्षात स्वयं भगवान श्याम सुंदर ही गिरिराज महाराज हैं। भोग लगा, असरा अभिषेक हुआ, परिक्रमा हुई, अब आप सब गिरिराज महाराज की मानसिक परिक्रमा करो परमानंद के साथ। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन चलो रे I'm not a man.
खड़ी हो जाइए, अब तो खड़ी जग घेर रही है। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे I'm sorry.
झूला को अब न लाने ठाकुर जी को बिना झूला में ले आना, क्योंकि सब किसी सब नहीं जानते भगवान को झुलाना। आइए अब सब लोग प्रसाद लेकर आके लेकर धीरे धीरे।